और आज के वेबिनार में आपकी होस्ट होंगी। तो थैंक यू सो मच आप सबको, आपने अभी हमारे पास करीबन 80 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी, और आई नो ये 2 घंटे आपके लिए काफ़ी प्रेशियस हैं, सो थैंक यू सो मच कि आपने ये टाइम निकाला। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी इस वेबिनार के लिए, जिसमें हम मोस्टली डिस्कस करेंगे कि COVID-19 के टाइम पे जो हम ये लॉकडाउन देख रहे हैं उसको समझेंगे कि उसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और हम अभी क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस पे उसका कम से कम इम्पैक्ट हो। हमारी टीम आई नो पिछले हफ्ते से आप सबसे बातचीत कर रही है, आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे होंगे उन्होंने ये समझने के लिए कि आप क्या देख रहे हैं अपने एरियाज में। आई नो कि आपका हर दिन एक नया चैलेंज होता होगा, हर दिन एक नई स्कीम आएगी, हर दिन एक नया चैलेंज आएगा, आपको पता नहीं उस स्कीम का मतलब क्या है, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे होंगे, शायद पेमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही होगी, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस टाइम पे क्या करें, हम डाइवर्सिफाई करें, यू नो सब जगह मास्क बन रहे हैं, सैनिटाइजर्स बन रहे हैं, वो करना चाहिए क्या, क्या डिमांड है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और उसको कैसे कैसे आप यूज़ करें इस टाइम पे। तो हम इस वेबिनार में वो सारे क्वेश्चंस तो आंसर शायद नहीं कर पाएंगे, हम ट्राई करेंगे पर शायद आंसर नहीं कर पाएंगे, पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमने ये वेबिनार अभी जो करा है और आज जो करेंगे वो सिर्फ एक शुरुआत है कि हम कैसे एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशन को बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे से इस टाइम पे सीख सकते हैं। इसके लिए हमने एक ईमेल आईडी भी स्पेशली क्रिएट करा है, मैं चैट बॉक्स में आप सबको भेज दूंगी, और हम इस वेबिनार के बाद भी आप सबको मेल करके वो ईमेल आईडी से इंट्रोड्यूस करा देंगे। उस ईमेल आईडी पे आपके रीजन में कुछ भी हो रहा हो, आपके पास कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हो, आप प्लीज़ भेजिएगा हमें, चाहे आपके कोई पार्टनर्स कोई प्रॉब्लम हो रही हो जो आप सॉल्व करना चाह रहे हो। यू नो इस टाइम पे ये टाइम अच्छा है कि हम अपनी कम्युनिटीज में विश्वास बढ़ाएं, पार्टनरशिप्स को और मजबूत करें। प्लीज़ जाके डीसी से, हेल्थ सेंटर में, आंगनवाड़ी में और एनजीओ से बातचीत करिए, और कोई भी नीड आपके रीजन में हो बिजनेस साइड से या रीजन साइड से, आप प्लीज़ हमें मेल करिए, और सेल्को फाउंडेशन आपके साथ है, और जिस तरीके से भी हम कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं आपके साथ हम जरूर ट्राई करेंगे। तो मेल आईडी है covid19@selcofoundation.org, और जैसे मैंने बोला मैं चैट में नीचे जरूर अभी लिखूंगी। और एक और चीज, ये मेल आईडी के अलावा ये पहला वेबिनार है, अगर आपको ये वेबिनार फॉर्मेट अच्छा लगता है, आपके कोई और क्वेश्चंस हैं जिसके लिए हम स्पेशल स्पीकर्स बुलवा सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा इन डेप्थ जा सकते हैं, जरूर आइडियाज शेयर करिएगा, और हम उसको अगले हफ्तों में और अगले कुछ दिनों में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत एजेंडा के बारे में, तो पहले हम शुरुआत करेंगे, करीबन 20-30 मिनट का एक सेशन होगा मिस्टर थॉमस पुलंकाव के साथ, जो आप कुछ लोग उनको जानते होंगे, पर वो बेसिकली बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, कि उनके हिसाब से ऐसे टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आप बिजनेस के तरफ से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़े से फाइनेंशियल स्कीम्स, आई नो बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस हो रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और मेरे 2 कलीग्स मिस श्वेता और मिस्टर KS हेगड़े थोड़ा सा समराइज करेंगे आपको 15 मिनट में जो अभी स्कीम्स अवेलेबल हैं। अगेन मैं बोलना चाहूंगी कि ये कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन नहीं होगा, तो अगर आपके पास कोई भी फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे आप प्लीज हमें लिखेगा और हम वापस आएंगे। वी आर ऑल्सो रियली रियली हैप्पी एंड डिलाइटेड कि मिस्टर श्रीधर मूर्ति जो MSME से हैं वो भी हमारे साथ हैं आज, तो उनके साथ भी प्लीज अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा ताकि वो आपके कोई भी जो प्रश्न है वो आंसर कर पाए। हमारे कुछ साथी यहाँ पे हैं, कुछ इंक्यूबेटर्स यहाँ पे हैं जो पिछले 1-2 हफ्तों से काफ़ी बिजी हैं, और हमें लगा कि जो काम वो कर रहे हैं उससे और लोग भी सीख सकते हैं, तो हमने लास्ट जो 30 मिनट हैं वो उसके लिए रखे हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेक्शन हो सके और हम अपने इंक्यूबेटर्स और अदर एंटरप्राइजेस से भी सुन पाए कि वो अभी इस टाइम पे अपने कम्युनिटीज में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो लास्ट चीज मेरी तरफ से बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप सब म्यूट पे हैं अभी, तो अगर कोई भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज उसे चैट बॉक्स पे लिखिएगा, जिस भी तरह लिखना चाहे लिखिएगा। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है, सेल्को फाउंडेशन की किसी भी कलीग को प्लीज फोन करिए और वो आपकी तरफ से वो क्वेश्चन वहां लिख पाएंगे।
अगर मेरे को कोई भी या किसी भी पैनलिस्ट को कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके क्वेश्चन को समझने में, या हमें थोड़ा सा और बैकग्राउंड चाहिए उस क्वेश्चन के लिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे और आप थोड़े से उसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेशन है जिसमें थॉमस सर बात करेंगे। आप बहुत सारे लोग थॉमस सर से ऑलरेडी मिले होंगे, पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनका। थॉमस सर पिछले 25 साल से सेल्को के साथ हैं और अभी वो डायरेक्टर हैं सेल्को इंडिया, सेल्को सोलर प्राइवेट लिमिटेड जो एंटरप्राइज है उसमें, और एडवाइजर के तौर से सेल्को फाउंडेशन के साथ हैं। स्पेशली वो अपने, एज आई सेड, वो अपने स्ट्रॉन्ग अनुभव से बताएंगे कि अर्ली डेज सेल्को पे क्या चैलेंजेस हुए थे, जब ऐसे टाइप की डिजास्टर्स हुई थी तो उन्होंने उसको कैसे टैकल किया था। तो प्लीज यूज करिए इस सेशन को, उनसे सुनिए, और प्लीज जो भी क्वेश्चंस हो चैट पे जरूर लिखिएगा, हम जरूर वापस आएंगे। थैंक यू। थॉमस सर प्लीज। थैंक यू रचिता। जैसे मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करूंगा, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो बीच बीच में आप काफी इंग्लिश शब्द सुनेंगे, बट माफ कर दीजिएगा कुछ मेरा काफी चीज, सब शब्द ऐसे हैं जिनके लिए वो हिंदी शब्द मुझे पता भी नहीं है। जैसे लॉकडाउन है, वो तो हम मेरे जिंदगी में पहले बार मैं सुन रहा हूँ लॉकडाउन जैसे एक शब्द, उसके लिए हिंदी तो कभी सीखा ही नहीं। और जैसे रचित जी ने बोला है कि थॉमस सर अपने अनुभव से बात करेंगे, मेरे पिछले 52 ईयर्स का अनुभव में एक भी बार हमने ऐसे एक स्थिति में नहीं है जो अभी हम जिस स्थिति में हम गुजर रहे हैं अभी। तो ये जितना आप लोगों के लिए अनप्रीसिडेंटेड है, ये अपूर्व है, उतना ही अपूर्व मेरे लिए भी है। बट मेरी एक्सपीरियंस से और मेरी जो जब मैं सेल को चलाया था काफी टाइम के लिए, उस मेरे अनुभव से मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीज ऐसे हाईलाइट करें जो आप कोई भी क्राइसिस हो, COVID-19 का क्राइसिस हो या और दूसरे क्राइसिस हो, जो आपके मन में रखना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं बात करूंगा। जैसे मैंने बोला था, ये स्थिति बहुत अपूर्व है क्योंकि हमने पहले कभी नहीं देखा था कि इंडिया में एक ऐसे स्थिति हुआ है या संसार में एक ऐसे स्थिति हुआ है। अभी फिलहाल आज दोपहर तक इंडिया में 2,902 केसेस, ये इन्फेक्टेड केसेस है, जिसमें से 68 लोग का मृत्यु हो चुके हैं। काफी इंडिया पूरा अफेक्टेड है, पूरा इंडिया पिछले 10 दिन से लॉकडाउन में है और 10 दिन में लॉकडाउन में हम रहेंगे। और ये नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम है, ये पहले चीन में था, तो चाइना में भी लोग, काफी लोग लॉकडाउन में थे, काफी लोग इन्फेक्टेड हुए, काफी लोग मर भी चुके हैं। और पूरा संसार में 207 टेरिटरीज है, ऐसे जैसे कंट्रीज नहीं बट टेरिटरीज है, 207 टेरिटरीज है जहां ये कोरोना वायरस का या COVID-19 का प्रॉब्लम चल रहा है। पूरा संसार में 11 लाख के करीब लोग इन्फेक्टेड है और ऑलमोस्ट 58,000 मृत्यु भी हो चुके हैं। सो ऐसे एक स्थिति में इंडिया में जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, ये लॉकडाउन के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है जहां हम लोगों को ट्रीट कर पाएंगे, लोगों के देख रेख करेंगे। फिर तो हमारे पास यही ऑप्शन था कि हमको उसको प्रिवेंट करना चाहिए, उसको इस बीमारी को रोकना चाहिए, और रोकने के लिए हमने ये लॉकडाउन लगाया है। अभी भी, आज भी जब हम बात कर रहे हैं, हमको पता नहीं कि ये लॉकडाउन अगले 10 दिन रहेंगे, उससे आगे हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये और 10-15 दिन 20 दिन तक एक्सटेंड करेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका तो विड्रॉयल हो जाएगा, बट वो विड्रॉयल बहुत धीरे से हो जाएगा ताकि वो सितंबर तक ऐसे चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ कंट्रोल और कुछ ना कुछ ये होके। किसी को भी अभी तक पता नहीं है कि क्या होगा, बट इतना हमको पता है कि पिछले 10 दिनों की एक्सपीरियंस देख के और आगे वाले 10 दिनों में हम जानते हैं कि इसका तो पहले से थोड़ा और बुरा ही होगा, कि काफी एंटरप्राइजेस में, काफी बिजनेसों में प्रॉब्लम्स आया है, काफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारा कंट्री में जो है वो एकदम बंद हो चुका है, स्टैंड स्टिल में आया है, उसको आगे जाने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है।
और इनमें से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है जो सेल्फ एम्प्लॉयड था या माइग्रेंट वर्कर्स था या जो फार्मर्स थे, हमारे किसान लोग थे, क्योंकि इनको गरीबी के साथ वो कंट्रोल भी आने के बाद उनका रोज की रोटी का भी प्रॉब्लम होता है। और ये अनसर्टेनिटी मार्केट में, ये पूरा मार्केट में है, वो सभी बिजनेस है, वो टाटा से बिरला से लेकर सबसे बड़ा बिजनेसों से लेकर सबसे छोटे छोटे बिजनेसों में सबके सामने ये अनसर्टेनिटी है कि इसका क्या होगा, हमारा क्या होगा, आगे 10 दिन के बाद कैसे हो जाएगा या 10 दिन के तक बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। और छोटे छोटे बिजनेस जो है हमारे, जैसे मैं मेरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो इनक्यूबेटिव है, आप लोगों के बिजनेस जैसे छोटे बिजनेसों में ये अनसर्टेनिटी बहुत प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बोला था, हमको ये पता नहीं है कि ये अनसर्टेनिटी कब तक हो जाएगा, अगले 10 दिन में खत्म हो जाएगा नहीं खत्म हो जाएगा, हमको पता नहीं है। बट ये तो पता है कि ये अनसर्टेनिटी अगले 10 दिन में लॉकडाउन खत्म हो जाए या ना हो जाए, ये तो पक्का है कि इसका तो असर जो पड़ेगा, वो एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं इसका असर जो लॉकडाउन का असर है, लॉकडाउन का लिफ्ट होने के बाद, लॉकडाउन बंद करने के बाद काफी महीनों तक चलेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम 20 दिन 21 दिन के लिए बंद हो चुका है। वो उसको वापस रीस्टार्ट करके, वो रीफोकस करके, वो स्टॉक बनाने में, प्रोडक्शन में करने में, लोगों को बिजनेस में आने के लिए, जो लोग गए थे अपने अपने गांव को, उनको वापस आके वो लेबर काम में लगने के लिए काफी दिन हो जाएगा। तो वैसे भी 2-3 महीने का तो ये हम सोच रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जैसे जो बिजनेस है, ये इस इवेंचुअलिटी के लिए, ये जो होने वाला है उसके लिए हम रेडी है या नहीं रेडी है। क्या हम सोच रहे हैं कि ये अगले अप्रैल 14 के बाद सब चुप जैसे पुराना था वैसे हो जाएगा, या हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ताकि ये हमारे ये प्रॉब्लम हम उसको निपट सकते हैं। तो इसी के लिए हमने ये वेबिनार बुलाया गया था कि हम आपको एक बार ये रिमाइंड करें कि ये प्रॉब्लम अभी 10 दिन की या 20 दिन की नहीं है, वो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। और ये लंबा चौड़ा प्रॉब्लम के लिए और अगले जो आने वाले टाइम के लिए जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने रहेगा, इसके लिए हम एक बिजनेस क्या कर सकते हैं। तो जैसे रचिता जी ने बोला था, ये करने के पहले हमने एक सर्वे किया था, आप लोगों से बात किए थे, आपसे पूछे थे कि आपका क्या प्रॉब्लम है। आप काफी लोगों ने हमको ये रेस्पॉन्स दिया है और रेस्पॉन्स में से हमको ज्यादातर ये पता चला कि आप लोगों का जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 90-95% शट बिजनेस है। कुछ हो ही नहीं रहा है, आप लोग सब घर में है, बिजनेस नहीं चल रहा है। और इस हिसाब में इसके कारण आप लोगों को सैलरी देना या एम्प्लॉयज का पैसा देना, पर्टिकुलरली जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज थे, जो आपके साथ वो जब काम था वो आते थे, उनको कैसे रीइंबर्स करें, उनके साथ क्या होगा, वो आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों में से काफी लोग ये भी बोले थे कि आपके जो रिजर्व्स है, आपके पास जो बाकी पैसा है, वो मैक्सिमम अप्रैल तक चलेगा और अप्रैल के खत्म होने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं आपको पता नहीं है। और ये भी बोला था कि पिछले 2-3 महीने से आप लोगों ने जो मेहनत करके जो ऑर्डर लाया था, वो एक पाइपलाइन था जिसमें से आपको ऑर्डर आ सकते थे, उसको आपको पता नहीं कि क्या होगा, क्योंकि अभी काफी लाइवलीहुड्स का लॉस हो गया है, एग्रीकल्चर में लॉस हो गया है, फार्मर्स के पास वो फसल है मगर फसल को हार्वेस्ट करने के लिए कोई है नहीं, जिनके पास हार्वेस्टेड है वो फसल तो खराब हो रहा है क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक पहुंचाने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो वो पाइपलाइन का भी आपको पता नहीं कि क्या हो सकता है करके। आप लोगों ने यही बोला था कि पिछले 10 दिन से और 10 दिन के लिए आपके इंस्टॉलेशन पूरा बंद हो चुका है, कुछ इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, इससे आपका पेमेंट का प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि काफी परचेज ऑर्डर्स है जो जहां आपने काम शुरू किया, मटेरियल लगाया है, बट पिछले 20-30 दिन के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर। ये भी एक प्रॉब्लम की कुछ लोगों ने बोला है कि आपके पास सप्लायर्स को पैसा देना है, क्योंकि आप लोगों ने सप्लायर से माल लिया था बट पैसा नहीं दिया है, और वो जो पैसा उनको देना था वो कस्टमर के पास स्टक है, तो आपका आउटस्टैंडिंग लोन्स और ये सप्लायर पेमेंट का भी प्रॉब्लम है। और दूसरा दो चीज जो कुछ लोगों ने बोला और कुछ हमको भी समझ आया, ये है कि एक तो सप्लाईज में काफी प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा
सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जो है वो जो हमारा सोलर पैनल है उसका ज्यादातर इंपोर्ट होता है चाइना से, और चाइना से सप्लाई उसका कमी हो रहा है, और इस कमी का तो निपटने के लिए और एक दो महीना तो लग जाएगा। दूसरी बात है कि आपको ये भी एक इश्यू था कि जब शहरों से जो माइग्रेंट लेबर वापस आएंगे गांवों में, वो लोग आएंगे साथ में बीमारी लेके, कोरोना वायरस को लेके आएंगे, तो गांवों में इनके लिए आइसोलेशन यूनिट्स या मास्क या सैनिटाइजर वगैरह नहीं है, और इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा एक ये करने के लिए आप लोगों को ये बोलने के लिए कि हमको ये लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका तो असर हमारे बिजनेस में काफी लगता है। कि मैं एबोला, जब वेस्ट अफ्रीका में एबोला हुआ था उसका एक दो चीज आपको बोल देंगे। वेस्ट अफ्रीका में 2015 में एबोला का प्रॉब्लम आया था जिनमें से काफी लोग मरे थे, जैसे आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, उस टाइम उस एरिया में उस रीजन में एबोला का प्रॉब्लम आया था। और एबोला के प्रॉब्लम में ये आया कि गिनिया, लाइबेरिया और सियरा लियोन, ये तीन राज्यों में एबोला का प्रॉब्लम आया था। इन तीन राज्यों में से 215 में 2.2 बिलियन डॉलर्स का, मानी 15,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ उनके जीडीपी में। और सबसे ज्यादा लॉस हुआ प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और ट्रेड में। और मर्सी कोर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस से है, उन्होंने एक एबोला पोस्ट एबोला स्टडी किया था वेस्ट अफ्रीका में, और उन्होंने बोला कि 85% जो बिजनेस, छोटे बिजनेस थे, एंटरप्राइजेस थे जो एबोला के पहले था, वो उस एबोला एपिडेमिक, उस महामारी के बाद वो बिजनेस सब बंद हो गया था। क्योंकि जो महामारी को रोकने के लिए जैसे हमने किया, उन्होंने भी किया था, बॉर्डर्स को क्लोज किया था उन्होंने, वो रीजनल ट्रेड एक रीजन से दूसरे रीजन, जैसे हमारे एक स्टेट से दूसरा स्टेट का वो एग्रीकल्चर बंद किया था, इसमें से काफी पॉवर्टी आया उधर, काफी लोगों के पास पैसा बहुत कम हो गया, जिसके कारण बिजनेस नहीं चला और बिजनेस ये प्रॉब्लम होने से उनका। तो ये था एबोला का इफेक्ट 215 में वेस्ट अफ्रीका में। और हमको भी ये सोचना है कि ऐसे ही इफेक्ट आएगा हमारे बिजनेसों में, हमारे लाइफ में। तो इसलिए हमको कुछ करना है, हमको एक प्लान बी, एक अल्टरनेट प्लान बनाना है हमके, जिसको हमने नहीं किया तो हमारा बिजनेस तो रिकवर होने का चांस नहीं है। हमको आप लोग प्लान नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस इसके साथ कारण खत्म हो सकता है, बंद हो सकता है। दूसरा साइड से आप ये भी सोच लीजिएगा, जैसे वेस्ट अफ्रीका में हुआ था वो एबोला के कारण वो इकोनॉमी में काफी प्रॉब्लम हो जाएगा, और इकोनॉमी में प्रॉब्लम होने से आप लोगों का सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, काफी बिजनेसों में फर्क आ जाएगा। जैसे आजकल हम बिजनेस कर रहे थे उसमें काफी फर्क आएगा, सरकार का काफी इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से हटकर वो इसमें से हो सकता है, हेल्थ केयर में हो सकता है, काफी प्रोजेक्ट जो आएगा वो हेल्थ केयर में आ जाएगा। तो ओवरऑल बिजनेस जो हमारे सेक्टर में वो जो है वो तो काफी कम होने का भी चांस है। तो इसलिए हमको एक दूसरा प्लान बनाना है, एक प्लान बनाना है जिससे हम बिजनेस में रेसिलियंस माने वापस ये पलट के आने का वो एक कैपेसिटी हमारे बिजनेसों में बिल्ड करना चाहिए। तो मेरी ये प्रेजेंटेशन है कि आप लोगों को ये बिजनेस रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए, जब ये प्रॉब्लम चल रहा है और वो खत्म हो जाएगा, आप लोग कैसे वापस आ जाएंगे, उसके लिए हमको चार चीज करना है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमको समझना चाहिए कि हमारे बिजनेस के सामने जो चैलेंजेस है वो क्या है करके, उसको एसेस करना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे बिजनेस के सामने जो चैलेंजेस है वो क्या है करके। एक बार हम चैलेंजेस समझने के बाद हमको ये करना चाहिए कि हम में वो क्षमता है क्या कि वो बिजनेस को हम ये जो चैलेंजेस है उसको हम क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या करके उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे हैंडल करेंगे। हम में वो क्षमता नहीं है तो हमको वो क्षमता बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तीसरा है कि एक बार हमारा क्षमता की समझ आने के बाद हमको एक्ट करना चाहिए, हमको इमीडिएटली
जो चाहिए वो करना चाहिए, नहीं है तो जब तक ये महामारी खत्म हो जाएगा हमारे साथ साथ में हमारा बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। और ये छोटे से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस सब लोगों के लिए ये लागू है। सेल्को में हमने भी ये एक टीम बनाया है जो अगले 6 महीने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें मोहन सर है, मैं हूँ, हरीश सर है, काफी लोग हैं जो एक साथ में बैठ के एक प्लान बना रहे हैं ताकि अगले 6 महीने में सेल्को के ये सामने क्या क्या चैलेंजेस आएगा, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए क्या करना है। और ये करने के बाद शॉर्ट टर्म में हम ये करने के बाद हमको बिजनेस में क्या चेंज होगा, हम बिजनेस को कैसे रीइन्वेंट करना चाहिए यदि जरूरत पड़े तो ये समझने के लिए हमको हम टाइम लेके इसके बारे में सोचना चाहिए। तो पहले मैं बोलूंगा ये असेस और अंडरस्टैंड द चैलेंजेस, ये चैलेंजेस को समझने के लिए और पता होने के लिए और समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए। आपके सामने जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं और वो बिजनेस चैलेंजेस हैं वो अलग अलग बिजनेस की अलग अलग हो सकता है, हो सकता है नहीं है, अपने बिजनेस का चैलेंज दूसरे बिजनेस से काफी अलग होगा, सेक्टर का चैलेंज एक हो सकता है, बट अलग अलग कंपनीज का अलग अलग चैलेंज हो जाना चाहिए और उसको असेस बैठ के असेस करना चाहिए कि आपके पास क्या फाइनेंशियल चैलेंजेस है, आपके पास क्या बिजनेस चैलेंजेस है। एग्जाम्पल एक रिन्यूएबल एनर्जी ये है, क्लीन एनर्जी सोलर एनर्जी का जो कंपनी है उनका जो क्रिटिकल फंक्शंस है वो फंक्शंस पहले हम उसको लिस्ट आउट करना चाहिए। आप अपने बिजनेस का क्रिटिकल फंक्शंस को लिस्ट आउट कर दो। जैसे एक सोलर एनर्जी कंपनी है तो उसका क्रिटिकल बिजनेस ये होता है कि पहले उसको माल मिलना चाहिए, सप्लाईज मिलना चाहिए। दूसरा ये क्रिटिकल पोर्शन फंक्शन है उनका बिजनेस में, उसको बेचना है, उसका सेल्स करना है, उसका मार्केटिंग करना है। तीसरा है कि ये जो हमने माल जो बेचा है या जो सेल्स किया है उसका इंस्टॉलेशन कमीशनिंग और सर्विस करना चाहिए, वो तो तीसरा फंक्शन हो गया एक एनर्जी एंटरप्राइजेस का। और चौथा फंक्शन है ये पूरा बिजनेस हमको चलाने के लिए हमारे पास फंड मैनेजमेंट सोचना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, माल खरीदने के लिए हम पैसा कहाँ से देंगे, कस्टमर से कैसा पैसा कलेक्ट करेंगे, ये पूरा फंड मैनेजमेंट का एक ये है। ये चार फंक्शन है एक नॉर्मल क्लीन एनर्जी एंटरप्राइज में। और ये करंट सिनेरियो में इन चार फंक्शन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आया है, क्या क्या चैलेंज आया है करके हमको समझाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सप्लाईज के लिए हमको कैसे हम समझेंगे, पहले हमको देखना चाहिए कि हमारा सप्लायर्स कौन है, वो कहाँ लोकेटेड है। आप समझ लीजिए आपका सप्लायर दूसरे स्टेट में और इंटरस्टेट बॉर्डर्स बंद है, तो आप यही डायरेक्ट समझ के जाइए कि आपका सप्लाईज में प्रॉब्लम होगा ही होगा। दूसरा आपको सोचना है कि वो सप्लायर्स को सप्लाई कहाँ से मिलता है। समझ लीजिए हमारा सप्लायर्स या उनका सप्लायर जो है वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि चाइना से जो इंपोर्टेड है हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमको क्या ढूंढना चाहिए, कुछ अल्टरनेट सप्लायर्स है या अल्टरनेट सोर्स है। समझ लीजिए आप मेघालय में बैठा है और गुवाहाटी से शिलोंग से मटेरियल खरीद गुवाहाटी से मटेरियल खरीद रहे, तो आपको ये सोचना चाहिए कि शिलोंग में कोई सप्लायर है का ताकि वो थोड़ा महंगा ही हो, हमको दूसरा सप्लायर को ढूंढना चाहिए क्योंकि वो दूसरा सप्लायर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या आप लिथियम आयन बैटरीज यूज कर रहे हैं और आपका सप्लायर जो है वो बोल रहा है मुझे लिथियम आयन बैटरीज नहीं मिल रहा है क्योंकि ये मटेरियल अभी चाइना से नहीं आ रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या फिलहाल कुछ सिस्टम्स के लिए ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी जैसे लेड एसिड बैटरी है वो लगाएंगे, क्या उससे हमारा काम हो सकता है करके। तो अपना सप्लायर्स को समझना चाहिए और अपने सप्लाईज को समझना चाहिए ताकि आपके पास क्या प्रॉब्लम हो जाए। सिमिलरली मार्केट्स को असेस करना चाहिए कि आप कौन कौन सा मार्केट के लिए ये कर रहे हैं। आप समझ लीजिए आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन मार्केट में गांवों में है, किसानों में है, और ये आप समझ जा सकते हैं कि अभी किसानों का ये मार्केट खत्म होने वाला है या बहुत मुश्किल मार्केट हो जाएगा। या आप समझ लीजिए आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन सरकारी बिजनेस में था और अभी आपको लग रहा है कि सरकारी बिजनेस में जो सोलर का वो जो प्रायोरिटी था वो हट जाएगा और वो जाएगा सीधा हेल्थ केयर के लिए क्योंकि आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना का है। तो आप कौन सा सेगमेंट के साथ काम कर रहे हैं, आप उस कौन सा प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हैं, वो उसके लिए इस कोरोना से क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसको आपको समझना चाहिए। सिमिलरली कौन सा ज्योग्राफी में है, आप समझ लीजिए आप ऐसे जगह में आपका हेड ऑफिस एक जगह में है या आपका ऑफिस एक जगह में है बट आपका ऑपरेशनल एरिया 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूर गांव एक एरिया में है या रिमोट एरिया में, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि
आज के जो लॉकडाउन के टाइम में या आगे समझ लीजिए लॉकडाउन का रिलैक्सेशन भी हो जाएगा, इधर उधर जाने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और ये भी हमको समझना चाहिए कि हमारा क्या स्ट्रेंथ है, लोग हमको क्यों रेस्पेक्ट करते हैं। आप समझ लीजिए, लोग सोचते हैं कि ठीक है ये एक्स फर्म का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि वो सोलार में सोल्यूशन दे सकता है, और लोग आपके पास कोई भी सोलार सोल्यूशन के लिए आएंगे क्योंकि आपका एक्सपर्टीज वो है। तो आप कैसे अपना स्ट्रेंथ को नया सिस्टम में, जैसे सोलार एनर्जी आप रेगुलर घर से लेकर या इन्वर्टर सिस्टम से हटा के आप कैसे उसको एक दूसरा एरिया में उसको फोकस करेंगे जो आज का स्थिति में रेलेवेंट हो, उसको भी सोचना चाहिए। तीसरा फंक्शन हो गया इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का। इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड सर्विस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉम्पोनेंट है कि हमारा एम्प्लॉयज और हमारा, हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स, वो कहाँ रहते हैं, उनका वो करंट सिनेरियो में क्या वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं जहां हमारा साइट है या कहां जहां हमारा ऑफिस है और जहां से वो रहते हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं क्या करके। दूसरा है कि कुछ लोग बीमार हो जाएंगे, कुछ लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग घर से निकलने के लिए डरेंगे तो वो नहीं आएंगे इंस्टॉलेशन के लिए, उसके लिए क्या हमारे पास एब्सेंटिज्म के लिए कुछ और दूसरा प्लान करना चाहिए, उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे बिजनेस के ऊपर, वो भी समझना चाहिए। और चौथा है, और जो आपके फीडबैक से सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्स जो आया है वो फंड मैनेजमेंट का है। आपको ये समझना चाहिए कि आपका कैश पोजीशन क्या है, आपके पास कितना पैसा है, कितना कब तक ये पैसा चलेगा, कहाँ से हमको पैसा आना है, कहाँ हमको पैसा देना है, वो कैसे हम मैनेज करेंगे, सप्लायर को पैसा देना है, कस्टमर से पैसा आना है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ ये आगे बढ़ जाए। और ये भी ये सोचना चाहिए हमको कि ये पूरा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है बिजनेस का, हम चलाए ना चलाए, बिजनेस हो ना हो, हमको सैलरी देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है मकान का, वो सब कहाँ से आएगा, वो कितना अमाउंट है, वो कितना उसके लिए हमको अलग रखना है करके एक पूरा आइडिया लगाना चाहिए। एक बार अपने बिजनेस के कोर फंक्शंस को आप समझ सके तो उसके ऊपर आप शॉर्ट टर्म में, जब तक हमारे सामने ये सिनेरियो है, ये चैलेंज है, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमको सोचना चाहिए। सप्लाईज के लिए समझ लीजिए, आपको जैसे मैंने बोला था, दूसरा सप्लायर है क्या, दूसरा ज्योग्राफी है क्या, या अल्टरनेट टेक्नोलॉजी कुछ है क्या, वो तो हमको समझना चाहिए। ये भी समझना चाहिए कि कुछ चीज हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हो जाए आ गया। आप सोचा होगा कि ठीक है हम बैटरी सबसे कम खरीदेंगे क्योंकि हमारा लिथियम आयन बैटरी तो मार्केट में रहता ही है, बट अभी आपको ये सोचना चाहिए कि मार्केट में पैनल और बैटरी का सप्लाई कम होने से हमारा बिजनेस को इफेक्ट हो जाएगा, क्या इसका इन्वेंटरी हमको बढ़ाना चाहिए। तो एक इन्वेंटरी प्लानिंग करना चाहिए, एक साइड में पैसा का आइडिया देखना चाहिए, दूसरा साइड में आपके हाथ से ऑर्डर न जाए वो भी सोचना चाहिए और आपको करना चाहिए। जैसे मार्केट्स के बारे में मैंने बोला था, आपको अभी कुछ प्रायोरिटाइज करना ही होगा क्योंकि आज के सिनेरियो में ना आपके पास इतना मटेरियल है और ना आपके पास उधर पहुंचने का ये फैसिलिटी है। तो ये सोचना चाहिए कि आप कुछ सेगमेंट्स या कुछ प्रोडक्ट लाइन को आप ये ज्यादा ये दे, जैसे वो सर्विस अप करने की एबिलिटी में या मटेरियल की अवेलेबिलिटी के ऊपर आप ये कुछ प्रोडक्ट लाइन और कुछ एरियाज को प्रायोरिटाइज कर देंगे। कुछ एरियाज में आप लोगों को ये भी करना चाहिए कि हम उधर जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको हम बंद करेंगे फिलहाल, जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा हम नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी सेल्को का एक एग्जांपल बोला, तो सेल्को का प्लान था कि हम कुछ नया मार्केट्स में एक्सपैंड करेंगे इस साल, बट पिछले मीटिंग में हमने ये बोला कि अगले 6 महीने तक हम एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे ही नहीं क्योंकि हमको एक साइड से पैसा का कंसर्व करना चाहिए, पैसा को सेफ रखना चाहिए, और दूसरा साइड से ये नहीं होना चाहिए कि नया मार्केट में जाके जो इनिशियल एफर्ट है उसके लिए लोगों को इधर से जाना है वो ट्रैवल में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एक्सपेंशन हम बंद करेंगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप एक नया मार्केट में तो घुसा ही था, कुछ बिजनेस किया है, बट बिजनेस शुरू होने के बाद आपको ये लगा कि ये मार्केट हम अभी नहीं कर पाएंगे, हम पुराने हमारे जो रेगुलर मार्केट है उधर ही काम करेंगे, तो वो डिसीजन आपको लेना चाहिए। ज्योग्राफी, सेगमेंट्स, प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको मार्केट का डिसीजन लेना चाहिए और उसको रिएक्ट करना चाहिए। इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग में भी आपको ये करना चाहिए कि आप कैसे प्लान बनाएंगे कि जो लोकल एम्प्लॉई है वो उस एरिया में ही काम करे, ताकि एम्प्लॉई का ट्रैवल का भी प्रॉब्लम कम हो सकता है और वो
इधर उधर जाने का, और कुछ एरियाज में आप वो एम्प्लॉय पहुंच भी नहीं कर पाएगा, आप उसका बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, उससे हम कैसे स्टॉप करें। कुछ एरियाज में हमको सर्विसिंग को बंद करना पड़ेगा, हमारे कस्टमर्स को फोन करके समझाना पड़ेगा कि हम नहीं आ पाएंगे, आप बुलाया तो अभी नहीं आ पाएंगे, लोग समझेंगे क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये बहुत अपूर्व स्थिति है, ये जो पहले उन्होंने भी नहीं देखा होगा, और ट्रैवलिंग प्रॉब्लम सब है, खाने का प्रॉब्लम है, तो हम उनको समझा सकते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे। एक प्लान बनाना चाहिए कि जहां हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉईज को जो प्रेजेंट है उसको कैसे हम यूटिलाइज कर रहे ताकि हमारा बिजनेस मैक्सिमम आगे जा सकते हैं। सिमिलरली फंड्स मैनेजमेंट में हमको ये देखना चाहिए कि हमारे पास अभी कितना पैसा है, हमारे पास कितना पैसा आना है, उसको हम कैसे प्लान करेंगे ताकि हम ये करंट जो हमारे पास जितना भी पैसा है उसको कैसे मैक्सिमम स्ट्रेच कर देंगे। कुछ ऑप्शंस है क्या हमारे पास, हमारा करंट लायबिलिटीज को जो लोग हमको पैसा देना था, कुछ ऐसे पेमेंट होंगे जिन्होंने आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, आप लोग को आपको लगता है कि ये छोटा अमाउंट है, इसको फॉलो अप करने में बहुत हेडेक है, वैसे अमाउंट को फॉलो अप करना चाहिए। आपको अपने फिक्स कॉस्ट को समझना चाहिए क्योंकि आपको वो फिक्स कॉस्ट तो आपको मीट करना ही है, बिना उसका तो आपको नहीं चलेगा, एम्प्लॉयज को सैलरी देना ही है, नहीं है तो एम्प्लॉयज छोड़ के जाएंगे, आप रेंट नहीं दिया तो मकान मालिक उधर बिल्डिंग से निकाल देंगे आपको। जो आपका फिक्स कॉस्ट है उसको समझना चाहिए और एक प्लान बनाना चाहिए कि आप उसके लिए क्या कर सकता है। इमीडिएटली आपके साथ जो एक्शंस है वो हम दो एरियाज में उसको हम डिवाइड कर देंगे। एक तो है जो वेरी शॉर्ट टर्म है, जो इमीडिएटली आपको करना चाहिए, ये अगले 10 दिन 15 दिन में आप उसके बारे में सोचना चाहिए। वो एक है कि आपका कैश फ्लोस, आपको समझना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है, आपको कितना पैसा आएगा अगले एक एक 10 दिन में 15 दिन में 1 महीने में 3 महीने में कितना पैसा आएगा, कितना आपसे जाएगा, और एक 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 छोटा सा बैलेंस शीट बनाना चाहिए जो 2-3 महीने के लिए आप प्लान कर सकते हैं कि वो कैसे पैसे आप कैसे स्पेंड करेंगे। उससे दो चीज तो हो सकता है, एक तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, कभी कभी सप्लायर से बात कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि अभी हम थोड़ा टाइम के लिए हमारा पेमेंट डिले हो जाएगा, आप हमको माफ करना पड़ेगा करके। दूसरा है कि आप उनको ये समझाना चाहिए कि ये कुछ ये है एम्प्लॉयज है जिनको हम ये समझ आ सकते हैं कि थोड़ा टाइम के लिए आप ट्रैवल ना करें, आपका कुछ अलावेंसेस है हम उसको पेंडिंग रख देंगे ताकि हम आपका सैलरी दे देंगे। दूसरा इमीडिएट एक्शन है वर्कफोर्स के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज और खुद के हेल्थ रिलेटेड और वर्क प्लानिंग रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर आपको इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। लोगों को कुछ ये भी हो जाए, पेंडिंग हो जाए, कुछ काम पेंडिंग हो जाए, कोई बात नहीं, बट आपका तबीयत ठीक नहीं है तो ये 15 दिन 20 दिन की बात नहीं है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा बात हो जाएगा। आपके एम्प्लॉयज का तबियत खराब हो गया और उनको हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत है तो आपके ऊपर और उनके ऊपर जो एक्सपेंसेस है वो बहुत बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप अपने एम्प्लॉयज और अपने आप का देखभाल करना चाहिए। तीसरा है कि कस्टमर्स और मार्केट के ऊपर आपको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में काम करना चाहिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को समझाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये आ रहा है। दूसरा है कि मार्केट को भी ये एक्ट करना चाहिए, कुछ मार्केट से बिजनेस निकलना चाहिए, कुछ नया प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए मार्केट में ताकि आप कुछ ये कर सकते हैं। और सप्लाईज का ये भी देखना चाहिए कि इमीडिएटली अगले 10-20 दिन में आपको नया सप्लायर्स, नया सप्लाईज की ऑप्शंस वो सब ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब ये निकल जाएगा, लॉकडाउन निकल जाएगा या पार्शली लिफ्ट हो जाएगा, आपको वापस बिजनेस में घुसना, ये इमीडिएटली वेरी शॉर्ट टर्म में करने वाला चीज है। मीडियम टर्म में अगले 6 महीने में आपको ये सोचना है कि आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर काफी ध्यान लगाना चाहिए, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, जैसे आप शॉर्ट टर्म में किया था कितना पैसा आएगा, कितना खर्चा होगा, वो खर्चा देने के लिए आप लोगों को कितना बिजनेस करना पड़ेगा, ये भी सोचना चाहिए कि क्या नया प्रोडक्ट लाइन करना चाहिए या नया मार्केट में जाना चाहिए, नया एरिया में जाके मार्केट खोलना चाहिए ताकि आपका बिजनेस आगे चले। ये नहीं, आप ये नहीं बैठ सकते कि ठीक है जब बिजनेस हमारे पास आते हैं तो हम करेंगे, वो कंडीशन कभी चेंज होने का भी चांस है। और ये भी है कि आप लोगों को
इस क्राइसिस को कैसे हम एक अपॉर्चुनिटी बनाएं उसके भी सोचना चाहिए। जैसे समझ लीजिए अभी काफी रिक्वायरमेंट होगा यूवी लाइट्स का, डिसइंफेक्टेशन चेंबर्स का या डिसइंफेक्शन गेट्स का, मेडिकल प्रोडक्ट्स का, नेबुलाइजर, सैनिटाइजर्स, मास्क, इसमें कैसे हमारा बिजनेस का कुछ फायदा आ सकता है करके हमको वो भी देखना चाहिए। और ये प्रॉब्लम ट्रैवल का प्रॉब्लम और ये सब प्रॉब्लम होने के टाइम में हमको ये भी देखना चाहिए कि हम एम्प्लॉयज को कैसे क्रॉस ट्रेन करेंगे। क्या सेल्स वाले इंस्टॉलेशन भी कर सकता है, टेक्नीशियन क्या जाके ऑर्डर पकड़ सकता है, क्या ये लोग इधर उधर एक दूसरे का काम में थोड़ा थोड़ा छोटा सा ट्रेनिंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग से कुछ हो सकता है, या इस ऐसे एम्प्लॉयज को ट्रैवलिंग मिनिमाइज करके अपने एरिया में टेक्नीशियन, सेल्स एग्जीक्यूटिव और टेक्नीशियन बनेगा, और सेल्स एग्जीक्यूटिव भी बनेगा सेल्स एग्जीक्यूटिव और टेक्नीशियन, ताकि अपने अपना एरिया को वो पूरा 100% कवर कर सकते हैं। तो ये क्रॉस ट्रेनिंग और क्रॉस डिप्लॉयमेंट एम्प्लॉयज का होना चाहिए। और एक चीज जो आप लोगों को करना चाहिए कि भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल एजेंसीज हो, सब लोग कोविड के लिए कुछ स्कीम लेके आएंगे, कुछ प्रोग्राम लेके आएंगे, उसका कैसे आप लोग फायदा उठाएंगे वो भी इमीडिएटली नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोगों को सोचना है कि इसका फायदा कैसे उठाए ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़ जाए। अभी हमारा जो श्वेता जी है और हेगड़े जी है वो आपसे बात करेंगे कि क्या क्या स्कीम्स है करके, बट ये स्कीम्स को आप लोगों को कैसे टैप करना चाहिए वो आपको सोच के आगे बढ़ने का जरूरत है। सर साइड में थोड़े क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़ा सा समराइज करूंगी। नॉट कंप्लीटेड, कैन आई फिनिश? श्योर सॉरी 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 System got a little stuck, so it's okay now. Yeah. Go ahead. तो इस ये सब आप लोगों को करने के बाद आपको ये भी सोचना चाहिए, जैसे आप बिजनेसमैन हैं, entrepreneurs हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए कि आगे क्या करेंगे। अभी समझ लीजिए एक नया सीन आएगा, ये नया सिस्टम ही आएगा, क्योंकि काफी फर्क आया है। जैसे अभी हम रहे हैं, आगे हम कैसे रहेंगे, ट्रैवल का ये कम हो जाएगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज बदल जाएगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए बिजनेस को वापस या नॉर्मल, जैसे या जैसे नया नॉर्मल है, द न्यू नॉर्मल जब हो जाएंगे, जब तक हमको ये पता चलेगा कि सिचुएशन कैसा है और ये इसका ये COVID-19 का असर क्या है करके जब हम समझ आएंगे, तो हमको हमारा बिजनेस को कैसे चेंज करना है करके भी हमको सोचना है। क्या हमको कुछ नया अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, नया मार्केट्स का, सप्लायर्स का, टेक्नोलॉजी का, या कुछ नया पार्टनरशिप्स बनाना चाहिए, ताकि आप समझ लीजिए आपके एरिया में एक अच्छा सा हेल्थ एनजीओ है, उसके साथ हम कैसे काम करें ताकि ये COVID-19 और ये आगे आने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स में हम कैसे ये करेंगे, हम कैसे चैंपियंस और हमारे पार्टनर्स के साथ एक अप टू डेट रहेंगे, ताकि वो नया ट्रेंड्स है, डेवलपमेंट है, इसको हम कैसे समझेंगे करके। अपने आप को और अपने टीम को रेसिलियंस प्लानिंग, जो हमने ये जैसे मैंने बोल रहा था, अपना कोर फंक्शंस को समझ लो उसको कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए भी आप अपने और अपने टीम को ट्रेन करना चाहिए, ताकि आगे ये जो COVID-19 है, कोरोना है, हमारे लिए एक सीखने का एक अवसर बन जाएगा। हमको ये कहा हो जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं आगे। समझ लीजिए कुछ फ्लड हो, नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं वो लोग काफी समझते हैं कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक मार्केट्स बंद होता है, कुछ नहीं होता है, उसके बाद हम कैसे वापस आ जाएं कि बिजनेस सफर नहीं करें, उसके लिए ये बाकी हम लोगों के लिए भी एक ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि अगले बार जब ऐसे कुछ महामारी आ जाए या कुछ बीमारी आ जाए, हमको उसको हैंडल करने की ये है। तो इससे मैं मेरा बात अभी इधर बंद करूंगा, क्वेश्चंस के लिए हम आ जाएंगे। यस रचिता, क्या था सर? सो कुछ क्वेश्चंस यहाँ साइड पे आए हैं, मैंने बस थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की है, क्योंकि देर आर सम थिंग्स विच आर सिमिलर डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो एक तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो काफ़ी एंड यूजर्स हैं, यूजुअली हमारे जो एंटरप्राइजेस यहाँ पे हैं वो ऐसे एंड यूजर्स के साथ काम करते हैं जो मोस्टली परचेज करते हैं लोन के साथ, या अगर लोन भी नहीं है तो एंटरप्राइजेस के साथ 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में पे होता है, तो वो रिकवरी में
प्रॉब्लम हो सकता है, बैंक लोन में प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, तो उसको कैसे टैकल करें, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि एंड यूजर्स का कॉन्टेक्स्ट कैसा होता है इन केसेस में. एंड सेकंड एक क्वेश्चन आल्सो आया है कि अदर प्रॉब्लम ऑफ रिकवरी विच इज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. सो अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिसमें फिर से फंड्स स्टक हैं, अभी नहीं वापस आए हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, कोई अगर आपके एक्सपीरियंस से कोई सजेशन हो. दूसरी क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्वेश्चन, can I answer one by one? हाँ, sure, sure. My attention span is a little poor. So, okay. तो जैसे आप लोगों ने ये पूछा था कि लोन्स के बारे में, अभी दो चीज है, आप दो, ये एक्चुअली टू डिफरेंट ऑप्शंस है. एक तो है कि आप लोगों ने जो बिजनेस किया है गवर्नमेंट के साथ, जो बिजनेस किया है वो रिकवरी, एक्चुअली ये सबसे अच्छा पोजीशन है, क्योंकि अभी आप लोगों को पैसा आना है. उसमें पहले आप जो एफर्ट कर सकते उसे ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके पास जो पैसा है वो उसका वैल्यू एक्चुअली ये क्राइसिस के पहले जो पैसे के साथ 10 गुना है, क्योंकि अभी पैसे का शॉर्टेज हो जाएगा, मार्केट्स में पैसा कम हो जाएगा, लोन्स मिलने का प्रॉब्लम्स हो जाएगा. तो ये समझ लीजिए कि आपको ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए ताकि आप अपने जो कलेक्टेबल अमाउंट है उसको कलेक्ट करें. सरकार के पास ऑलरेडी बजट होगा, नहीं है तो वो लोग कर नहीं पाएंगे काम, और ये बहुत डाउटफुल है कि वो जो ऑलरेडी एलोकेटेड बजट है वो वापस चला जाएगा. ये हो सकता है कि लोग इधर से लेकर उधर डाल देंगे इमीडिएटली क्राइसिस के लिए, जो सोलर का कुछ स्कीम के लिए पैसा आया था उसको निकाल के दूसरी जगह में डाल देंगे, बट वो फॉलो अप और कंसिस्टेंट फॉलो अप के साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ बैठ के आपका पैसा कलेक्ट करना आपके सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से एक हो जाना चाहिए इस सिचुएशन. दूसरा क्वेश्चन है कि एंड यूजर का लोन एंड रीपेमेंट. ये आप समझ लीजिए कि पूरा कंट्री में एंड यूजर लोन के लिए चैलेंज हो जाएगा. श्रीधर मूर्ति साहब है हमारे साथ, हेगड़े साहब है हमारे साथ, ये लोग बोल सकते हैं कि उसके लिए हम क्या चेंज करेंगे. इसलिए मैंने बोला आप लोगों को कभी ये सोचना होगा कि आपको दूसरा मार्केट ढूंढना पड़ेगा अगले 5-6 महीने के लिए. आप समझ लीजिए कि अभी तक आप गांवों में लोगों के घरों में सोलर इंस्टॉल कर रहे थे, ये नहीं है कि आप उसको बंद करेंगे, बट आप ये सीधा जानते हैं कि फाइनेंसिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, लोगों को पेमेंट रीपेमेंट करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लिए पैसा देने में प्रॉब्लम हो जाएगा. तो आप लोगों को शॉर्ट टर्म में दूसरा कुछ प्रोजेक्ट प्रोडक्ट ढूंढना चाहिए, दूसरा कुछ कस्टमर बेस ढूंढना चाहिए. अभी आप समझ लीजिए कि हर गवर्नमेंट का, हर एनजीओ का ये चैलेंज है कि हम कैसे हेल्थ केयर डिलीवर कर दें. क्या आप हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर सकते हैं ताकि उसमें से एक बिजनेस पोटेंशियल निकल जाए? क्या आप कुछ फंडिंग है, जैसे गवर्नमेंट का कुछ स्कीम्स है या कुछ ये है कि एक प्रोग्राम है जहां आप कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं? क्या आप सेल्को फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक साथ मिलके क्या आप कुछ नया प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं उधर, ताकि वो कोविड का फंडिंग का फायदा उठाए? 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद जब सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाएगा, रीपेमेंट शेड्यूल सब लाइन में आ जाएंगे, लोग वापस प्रोडक्ट्स हो जाएगा, लॉजिस्टिक सब ठीक हो जाएगा, अपने कंसंट्रेशन वापस अपने प्रोडक्ट्स में कर दो. बट फिलहाल के लिए आपको दूसरा एक प्लान बी बनाना चाहिए ताकि आपका रेगुलर जो कस्टमर्स है जो नहीं देंगे आपको ऑर्डर, आपको होम लाइटिंग सिस्टम्स का ऑर्डर नहीं आएगा, तो आप लाइवलीहुड्स करेंगे या हेल्थ सेंटर्स करेंगे या स्कूल्स में कुछ करेंगे. बहुत अपॉर्चुनिटीज है इसका, ऐसे नहीं है कि कोविड आने से अपॉर्चुनिटीज चेंज हो गया, वो नया अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए. यस रचिता. या आई थिंक तो कुछ जो क्वेश्चंस और थे वो आपने थोड़ा सा ऑलरेडी कवर किया है, बेसिकली कि कैसे अगर डीआरई का फ्यूचर देखें नेक्स्ट ईयर, तो कैसे टाइप के चैनल्स, कैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स को देखना चाहिए और कैसी टाइप की पार्टनरशिप्स बनानी चाहिए. अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इवन सेल्को इंडिया के एक्सपीरियंस से कोई एग्जाम्पल हो जैसी टाइप की पार्टनरशिप्स वहाँ पे बन रही हो जो यहाँ पे इंक्यूबेटर्स को मदद कर पाए, दैट वुड बी हेल्पफुल. द अदर थिंग पीपल हैव आल्सो रेज्ड इज रिसेशन जब होता है तो आई थिंक बपीदा बोल रहे हैं कि जब रिसेशन होता है तो पावर डिमांड्स थोड़ी सी, इकोनॉमिक एक्टिविटी लो होती है तो पावर डिमांड्स लो हो जाते हैं, तो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स हो सकता है कम हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं? और फजले पूछ रहे हैं कि
ट्रैवल विल बी अ प्रॉब्लम, और बहुत सारे जो हमारे इंक्यूबेटर्स हैं वो इंटर स्टेट ट्रैवल और या इंटर डिस्ट्रिक्ट भी आई वुड से वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो उसकी ट्रैवल को ध्यान में रखते हुए आपने कुछ ऑलरेडी पॉइंट्स बोले हैं सप्लाई चेन के बारे में, रीजन असेसमेंट के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में, बट इफ समथिंग यू वांट टू ऐड स्पेसिफिकली ऑन दैट कि ट्रैवल कैसे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कैसे इंपैक्ट करेगा. ओके पहले मैं आप जो आपने पूछा था कि कुछ नए पार्टनरशिप्स का जरूरत है, मैं तो बोलूंगा कि आप लोगों का फ्यूचर पार्टनरशिप्स में है, क्योंकि डीआरई में प्रॉब्लम है. आप घरों में सिस्टम नहीं डाल सकते, इंडिविजुअल स्मॉल सिस्टम नहीं डाल सकते हैं, और एक नया एरिया में डालना है तो उसमें जाना है तो आप लोगों को पास एक्सपर्टीज नहीं है. तो पार्टनरशिप्स बनाओ. जैसे सेल्को में जब ये 2006-2007 का कहानी मैं बोल रहा हूँ, जब हमारे पास ये पैनल का शॉर्टेज था, जब जर्मन का इश्यू में चल रहा था, तो हमने टाटा बीपी का, उस टाइम टाटा बीपी का डीलर्स और हम कॉम्पिटिटर्स थे फील्ड में, बट हमने टाटा बीपी के साथ ऐसे एक अग्रीमेंट किया कि अपने डीलर्स से आप कुछ एक्स्ट्रा पैनल्स है जो उनको नहीं चाहिए, उनका स्टॉक में नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए तो वो हमें दे दो, हम उसको यूज करेंगे, और जब उनको पैनल चाहिए हम दूसरा आपसे खरीद के बाद में उनको दे देंगे, ताकि वो पैनल का प्रॉब्लम. कॉम्पिटिटर के साथ भी पार्टनरशिप का अपॉर्चुनिटी है. आपको हर पार्टनरशिप को ये इस टाइम में आपको ढूंढ के पकड़ना चाहिए. सबसे ज्यादा पार्टनरशिप ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो आपका पास एक्सपर्टीज नहीं है, उनके साथ जो एक्सपर्टीज ये कर सकते हैं. तो उसी से आपको, जैसे वो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं, जैसे अलग से सोचना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विस को कैसे चेंज करेंगे. तो जो आदमी छोटा, समझ लीजिए स्ट्रीट लाइट और होम लाइटिंग कर रहा है, उसको सोचना चाहिए कि मैं वैक्सीनेशन एरिया में, वैक्सीन्स का एरिया में कैसे ये करूं. अभी कुछ टाइम के बाद कोरोना का वैक्सीन आएगा, वो बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाएगा. तो वैक्सीन के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ, कुछ हेल्थ पार्टनर्स के साथ मैं टाई अप कर दूंगा, ताकि जब वैक्सीन का ये आ जाएगा और उनको सोलर पावर्ड वैक्सीन रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा, तो मैं उनके साथ काम करूंगा. तो अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढ के आपको समझना चाहिए कि कोरोना से क्या हो सकता है अगले 6 महीने में आपका एरिया में, और उसके आगे बढ़ना चाहिए. दूसरा है कि ट्रैवल प्रॉब्लम, ट्रैवल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. ट्रैवल में दो चीज है. एक तो होगा कि लोगों को इधर उधर जाने का प्रॉब्लम मटेरियल का प्रॉब्लम से ज्यादा टाइम के लिए चलेगा. तो मटेरियल सप्लाईज कुछ टाइम के बाद, जब ये फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड ऑफ लॉकडाउन खत्म हो जाता है, तब तो मटेरियल सप्लाई का प्रॉब्लम काफी ईज आउट हो जाएगा, क्योंकि ट्रक्स को अलाउ करेंगे, गुड्स ट्रेन वैसे भी अलाउड है, तो मटेरियल इधर उधर जाने का नया रास्ता सप्लायर्स ढूंढ लेंगे. बट आपका लोगों को और एक डिस्ट्रिक्ट में और एक स्टेट में जाके इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो उसके लिए, जैसे मैंने बोला था, आप लोगों को प्लान करना चाहिए कि आसपास में जो बिजनेस है उसको कैसे हैंडल कर दें. सेकेंड लेवल में आप, जैसे सेल्को का हमने एक बीएशिप ये किया, स्टार्ट किया है कि दूसरे जगह में कमीशन के ऊपर मैं कैसे बिजनेस एसोसिएट को बना दूं, ताकि वो उसका एरिया में वो सप्लाई करेगा, वो इंस्टॉल करेगा. आपकी जिम्मेदारी है कि उसको सपोर्ट करने में. मटेरियल आप भेज दोगे क्योंकि आपके पास मटेरियल का सोर्स है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन या कुछ ट्रक सर्विस कुछ ढूंढ के उसके पास मटेरियल पहुंचाने का जिम्मेदारी आपका है, और वो दूसरा मार्केट में, वो अपना अपना मार्केट में आप अपना अपना एजेंट को पकड़ लीजिए, ताकि उसका बिजनेस आपके लिए भी बिजनेस हो जाएगा. तीसरा क्वेश्चन था कि रिसेशन के टाइम में पावर डिमांड कम हो जाएगा. रिसेशन के टाइम में पावर डिमांड कम होने से मुझे नहीं लग रहा है कि हमारा पावर सप्लाई का सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा. एक्चुअली ये रिसेशन के टाइम में दो चीज हो सकता है कि काफी लोग जो अभी लेबर में इन्वॉल्व है अर्बन एरियाज में, जैसे बैंगलोर में हो या दिल्ली में हो, वो लोग अपने अपने गाँवों में वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगले 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए सिटीज में कम हो जाएगा. वो लोग जो आएंगे वो वापस आएंगे, वो विलेज इकोनॉमी में ऑलरेडी उनका ये एक ही कंट्रीब्यूशन था कि वो बाहर से इकोनॉमी में पैसा डाल रहे हैं. अभी वो जब विलेज में वापस आ जाएगा, उनका दो लोड हो जाएगा. एक तो उनका खुद का एक्सपेंसेस वो विलेज में जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमी उससे निकालना चाहिए, दूसरा है कि उनको तो कुछ काम है नहीं.
तो वैसे लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लाइवलीहुड्स एंड एनर्जी बेस्ड लाइवलीहुड्स को देख के कॉन्सेंट्रेट कर दें. तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द रिसेशन एंड अ रिड्यूस पावर डिमांड एज अ चैलेंज, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, नया एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढना चाहिए, नया बिजनेसों को स्टार्ट करना चाहिए, एग्री लिंक्ड बिजनेस को स्टार्ट करके उसके साथ हमको जोड़ना चाहिए ताकि हम उसके उसको आगे बढ़ा सकते हैं. और फर्स्ट सेट ऑफ लोन्स that will come as far as products are concerned are going to be livelihood loans because iska effect khatam hone se immediate government ka concentration hoga how do we improve livelihoods, how do we change the this thing, because economic scenario agle 3-4 mahine mein kafi bura ho jayega. To government ka next concentration will be on how do we create more livelihoods, how do we create more jobs, aur usse humko kafi fayda aana chahiye. वो अपॉर्चुनिटी को हम देख के ढूंढ के पार्टनरशिप के साथ उसको आगे बढ़ाना हमारा चैलेंज है. थैंक यू थॉमस सर. आई थिंक बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके थोड़े से क्वेश्चंस आ रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिलेटेड. उपेंद्र जी ने क्वेश्चन भेजा है ग्रुप में कि मटेरियल का रेट ज्यादा होगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, बढ़ेगा क्योंकि सप्लाई कम होगा तो उनके जो मटेरियल है वेंडर्स रेट ज्यादा बढ़ा सकते हैं. But Thomas sir, I'll give you the option. We can, that can be a perfect segue to the next section on financing as well. But any last thoughts from you on, I know aapne bahut sari tips di hain ki hum apna working capital kaise, at least uska kaise calculate kar sakte hain ki kitni requirement hogi. That is the first step. Kya essential costs hain, kya hum kaat sakte hain, uske bare mein aapne kaafi tips di hain. But any last thoughts on work towards getting better working capital, क्योंकि investments will be investment करने के लिए, goods खरीदने के लिए goods की prices बढ़ेंगी, वो सब problem हमारे incubators देख रहे हैं कि अभी होगा. material का price बढ़ने का बहुत high chance है क्योंकि material China से आता है, एक side से already बढ़ चुका है. आप panels का price देखेंगे बड़े markets में तो 2-3 रुपए per watt already बढ़ चुके हैं और ये तो बढ़ेगा ही. और जब शॉर्टेज हो जाएगा, जब मार्केट खुलेंगे तो काफी लोग होंगे जिनको मटेरियल चाहिए होगा, मटेरियल का शॉर्ट सप्लाई होगा क्योंकि फैक्ट्रीज सब बंद है, इंडियन हो या चाइनीज हो फैक्ट्रीज पूरा बंद है, तो मटेरियल का प्राइसेस में इंक्रीज आएगा. वो तो शॉर्ट टर्म में हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, उसको हमको बेयर करना ही पड़ेगा. पार्ट ऑफ द कॉस्ट आप लोगों को ऐसे सेगमेंट्स ढूंढना चाहिए जो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, और उस प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट्स में आपको ये इंक्रीज प्राइस का मटेरियल लगाना चाहिए. दूसरा है कि वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि एक साइड में मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, दूसरे साइड से जब शॉर्टेज हो जाएगा तो आपका जो सप्लायर्स है वो भी पूछेंगे कि आप हमको एडवांस पेमेंट दे दो. तो वैसे चीजों में हम टाइम में हमको कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज द न्यू रियलिटी, वी हैव टू फेस इट. तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि गुड प्रूडेंट मैनेजमेंट, एंड एज रचिता सेड व्हेन माय कोलीग्स will be talking, जैसे वो बात करेंगे आपके आपको कि नया schemes क्या है, क्या opportunities है, हम कैसे government को opportunities को tap करें, उसके लिए आप लोगों को उनसे कुछ ideas ले लें, कुछ ये दे कर दें. ये जैसे मैंने शुरू में बोला था, this is an unprecedented time. We've never, ऐसे एक जमाने हमारे जिंदगी में कभी आया नहीं है. तो इस time में हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी हमारा जो पुराना प्लानिंग था, पुराना स्टाइल का ये था, वो तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो तो हमको चेंज करना पड़ेगा. चेंज रियलिटी में हमको ये करना पड़ेगा, मस्ट बी कोई दूसरा प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, दूसरा प्रोडक्ट लाइन देखना पड़ेगा ताकि हमारा कैश फ्लोस को भी एडजस्ट कर. अल्टीमेटली बिजनेस का तो मेन जॉब तो वही है, कैश फ्लो एडजस्टमेंट. आप जब एंटरप्रेन्योर है आपका मेन जॉब कैश फ्लोस मैनेजमेंट है, बाकी सब अपने आप बैठ जाए. तो वो आपको ये नया रियलिटी में जो चेंजेस है उसको हम मैनेज करना ही पड़ेगा. थैंक यू सो मच थॉमस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगेन जो थॉमस सर ने जो भी अभी बोला है हम उस सबको एक रिपोर्ट में कन्वर्ट करके आपके साथ जरूर शेयर करेंगे. बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसपे हमें सोच करनी पड़ेगी, हमें प्लान करना पड़ेगा, एंड अभी टाइम है नेक्स्ट 1-2 दिन में ही बल्कि दैट हम इन सब चीजों पे जो थॉमस सर ने बोला उन पे थोड़ा सा ध्यान करें.
मैंने जैसे पहले बोला था आपके पास अगर कोई और क्वेश्चंस होते हैं बाद में तो प्लीज लिखिएगा एंड वी कैन ऑलवेज गेट इन टच विद थॉमस सर एंड वी कैन गेट एन आंसर टू दैट. सो विद दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन. मेरे यहाँ कलीग्स हैं श्वेता और मिस्टर हेगड़े जो दोनों थोड़ा फाइनेंशियल फाइनेंसिंग के ऊपर और जो अभी स्कीम्स आ रही हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के ऊपर ओवरड्राफ्ट लोन्स जो एसएमईज के पास हैं ऑलरेडी उनके ऊपर वो सब क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे. सो श्वेता हेगड़े सर प्लीज गो अहेड. थैंक यू रचिता. सभी को मेरा नमस्कार. जैसा थॉमस सर ने बताया लार्ज एंटरप्राइज से लेके हमारे जितने माइक्रो एंटरप्राइजेस सभी लोग कोविड आउटब्रेक से उनको इम्पैक्ट होगा. और सबसे बड़ी बात थॉमस सर ने अभी मेंशन किया सारे एंटरप्राइजेस को कैश फ्लो एनालाइज करना बहुत जरूरी है. कैश फ्लो मीन्स उनके फिक्स एक्सपेंडिचर क्या होंगे या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है. और अभी मैं चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ बहुत सारे ने ये लिखा है कि अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो और अदर लोन्स की तो वो कैसे अप्रोच करें और क्या गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने कुछ अनाउंसमेंट किया है या अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन सम इमरजेंसी लोन का. तो हम लोग सिल्को फाउंडेशन ने कुछ इंफॉर्मेशन जो अभी तक आई है डिफरेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा तो हम लोग ने सारा कोलेट किया है. क्या क्या इमरजेंसी लोन स्पेशली फॉर द एंटरप्राइजेस अनाउंस की गई है उसे अभी हम लोग शेयर करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ डोनर्स एंड फंडर्स ने भी कुछ इमीडिएट इमरजेंसी ग्रांट रिलेटेड टू वो कोविड के लिए है तो उसको भी अनाउंस किया है जिसे भी हमारे स्टार्टअप हो इनोवेटर्स हो इवन एंटरप्राइजेस भी अवेल कर सकते हैं. तो अभी हम लोग मैं के एस हेगड़े सर से रिक्वेस्ट करूंगी वो जो लोन जितनी भी अनाउंसमेंट हुई है इमरजेंसी लोन उसके बारे में बताए. और हमने एक स्मॉल पीपीटी भी बनाया है जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ. केस हेगड़े सर आई विल रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्लेन. या या यू स्टार्ट विद दैट. या सर सबको नमस्कार. मैं हेगड़े केस हेगड़े बोल रहा हूँ. हमारा थॉमस जी ने अभी बताया क्या क्या चैलेंजेस फेस करना है और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं वो सुझाव दिया. ये हालत में गवर्नमेंट ने क्या किया आरबीआई ने क्या अनाउंसमेंट किया और बैंक डिफरेंट बैंक्स ने क्या क्या स्कीम बनाया इसके बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए मैं इधर आया हूँ. इंग्लिश और हिंदी में मैं बोलूँगा बात करूँगा. आपको मालूम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27 मार्च में ये रिलीफ मेजर्स अनाउंस किया रेगुलेटरी मेजर्स अनाउंस किया फॉर द एग्जिस्टिंग बोरोर्स के लिए. सारी बोरोर्स के अभी थॉमस जी ने बताया था क्या क्या तकलीफ हो रहा है क्या क्या चैलेंजेस है वो कैसा थोड़ा हेल्प करना है. इसलिए ये रिजर्व बैंक ने दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया. एक मोरेटोरियम ऑन टर्म लोन्स और डिफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज के लिए. ये टर्म लोन के लिए मोरेटोरियम किया वो सारे लोन्स वो हो सकता है टर्म लोन्स एग्रीकल्चर लोन्स है रिटेल लोन्स है. रिटेल लोन्स में हाउसिंग लोन है व्हीकल लोन है पर्सनल लोन भी है एमएसएमई है और क्रॉप लोन भी है. ये टर्म लोन का क्या इंटरेस्ट
all the banks, sari banks, the direction they diya, commercial banks, cooperative banks, and NBFCs, including small finance bank, regional rural banks, permission they diya to allow a moratorium period of 3 months. 3 mahine ka moratorium dene ke liye, installment moratorium de diya. वो क्या इंस्टॉलमेंट लोन इंस्टॉलमेंट एग्जिस्टिंग बोरोस का इंस्टॉलमेंट है, कोई टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट है फॉलिंग ऑन ड्यू ऑन मार्च अप्रैल एंड मई, 3 महीने का इंस्टॉलमेंट का डिफर करने के लिए डायरेक्शन दे दिया. इसलिए वो एसएचजी लोन हो, एमएसएमई लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो और रिटेल लोन हो, वो मार्च अप्रैल और मई महीने का इंस्टॉलमेंट भरने का जरूरत नहीं है. उसको मॉरेटोरियम दे दिया, उस ये 3 महीने के बाद वो पेमेंट करना है. वो इसलिए क्या हो गया, आप तो ये टोटल रिपेमेंट पीरियड 36 मंथ्स हो सकता है, वो 39 मंथ्स हो जाएगा. 65 इयर्स का लोन रिपेमेंट पीरियड है, वो 5 इयर्स 3 महीने हो सकते हैं, 3 महीने एक्सटेंशन हो गया. वो ये 3 महीने का बर्डन थोड़ा कम कर दिया, रिजर्व बैंक ने डायरेक्शन दे दिया, वो सारे बैंक को डायरेक्शन दे दिया और बैंक ने अपना बोर्ड के पास जाकर उसका अप्रूव लेके वो गाइडलाइंस कम्युनिकेट कर सकते हैं. आई थिंक सारे बैंक ने अभी ऑलरेडी स्टार्ट किया, ये महीने का महीने मार्च महीने का इंस्टॉलमेंट डिडक्ट नहीं किया. इसी तरह वर्किंग कैपिटल लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन मतलब ओडी है, कैश क्रेडिट है और बोरोस के लिए, वो सभी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट करना भी बहुत मुश्किल है ये कोविड 19 के इम्पैक्ट से. वो द आरबीआई ने डायरेक्शन दे दिया सारी बैंक्स के लिए फॉर द रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट. वो क्या इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं मार्च महीने का, अप्रैल का और मई महीने का, 3 महीने का इंटरेस्ट डिफर करने के लिए वो डायरेक्शन दे दिया. वो एक्युमुलेट इंटरेस्ट, एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट क्या है मार्च महीने का, अप्रैल और मई महीने का, वो ये जेस्टेशन पीरियड होने के बाद वो पेमेंट करना है. वो 3 महीने में वो कोई बोरोवर टर्म लोन एंजॉय कर रहा है, टर्म लोन है वो, उसको 3 महीने का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का जरूरत नहीं है. इसी तरफ वर्किंग कैपिटल ओडी ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट एंजॉय करने का बोरोवर्स के लिए वो 3 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट करने का जरूरत नहीं है. वो आरबीआई का मेजर अनाउंसमेंट है. इसके साथ और भी इंस्ट्रक्शन दे दिया. वो अभी हमारा कस्टमर्स बता रहे थे वो कॉस्ट इंक्रीज हो गया और स्टॉक का स्टॉक है और स्टॉक नहीं है, परचेस करना है. इसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट में भी 25% मार्जिन था ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए. ये मार्जिन ड्राइविंग पर पावर कैलकुलेट करता है बैंक्स ने, वो 25% मार्जिन मिनिमम मेंटेन करना है. स्टॉक 1 करोर का स्टॉक है, बैंक 75 लाख तक दे सकता है एग्जिस्टिंग बोरोवर के लिए. ये टाइम में वो अप टू 80% भी दे सकता है. ये मार्जिन मनी का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम कर दिया. और ये आरबीआई का डायरेक्शन है और आरबीआई ने बैंक्स के लिए डायरेक्शन भी दे दिया था और नया नया स्कीम एडहॉक रिक्वायरमेंट के लिए. अभी आपका पास कैश जनरेशन नहीं है, कैश फ्लो कैश चाहिए, पेमेंट रेंट पेमेंट करना है, लेबर्स का सैलरी पेमेंट करना है और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है. आपके पास कोई कैश जनरेशन नहीं है, कोई इनकम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है. इसलिए एग्जिस्टिंग बोरोवर को हेल्प करने के लिए आरबीआई ने सभी बैंक्स को डायरेक्शन दे दिया था थोड़ा एडहॉक फैसिलिटी देने के लिए. मेनी बैंक्स हैव कम फॉरवर्ड विद नया नया स्कीम्स के
स्टार्ट किया वो अप टू थ्री मंथ्स पीरियड फॉर ए पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाया कोविड 19 एमरजेंसी क्रेडिट लाइन नाम से, और सभी एसएमई बोरोवर्स उसका अकाउंट रेगुलर होना चाहिए उसका उसको ये फैसिलिटी मिल सकता है. ये अब सपोज उसका टोटल क्रेडिट है अप टू 50 लाख वो एंजॉय कर रहे हैं अभी वर्किंग कैपिटल लिमिट, वो 10% ऑफ द फंड बेस्ड लिमिट्स वो एडॉक लिमिट एडवांस्ड लिमिट वो सैंक्शन करते हैं. सो अनदर 5 लाख दे कैन सैंक्शन. सो दैट इज एडॉक लिमिट. वो ये फैसिलिटी होगा अप टू अवेल करना है जून तक वो अवेल करना है. बिफोर दे जून दे हैव टू अवेल दिस फैसिलिटी एंड वो इसके लिए मॉरेटोरियम है 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड है और 6 महीने में पेमेंट करना है टोटल 1 ईयर में पेमेंट करना है. ये लोन के लिए इंटरेस्ट होगा 7.25% वो अनाउंस किया 7.25% और मार्जिन मनी प्रोसेसिंग फी नहीं है. वो मैक्सिमम लोन 200 करोड़ भी तक है वो बड़ा बोरोस के लिए. ये स्कीम SBI बैंक का कोई कस्टमर है वो कोई उधर फैसिलिटी एंजॉय कर रहा है वो उधर ये फैसिलिटी पूछ सकता है और इसका लाभ उठा सकता है. और इसका डिटेल्स ये लिंक भी हमने दे दिया इसमें प्रेजेंटेशन में, आप वो डिटेल्स के लिए वो लिंक भी जा सकता है, नहीं तो आपका नजदीक ब्रांच को अप्रोच कर सकता है आपका एग्जिस्टिंग बैंक को अप्रोच कर सकता है. इसी तरफ कैनरा बैंक ने भी स्कीम अनाउंस किया, इंडियन ओवर्स भी बैंक में बैंक ने अनाउंस किया, यूको बैंक में बैंक और इंडियन बैंक सारे बैंक अनाउंस किया. वो स्कीम अमाउंट में भी डिफरेंट हो सकता है. वो मेथोडोलॉजी वॉज सेम है वो 10% और सम बैंक्स 25% शॉर्ट टर्म एडहॉक लोन वो दे सकता है टू मीट देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट. इसी तरह सिडबी ने एक नया स्कीम चालू किया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम स्टार्ट किया. वो इसका नाम है सेफ, दैट इज सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट एमरजेंसी रेस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस. वो स्कीम स्टार्ट किया. इसका ये पर्पस है ये स्कीम का टू एक्वायर इक्विपमेंट और प्लांट एंड मशीनरी और अदर एसेट्स इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विस टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर फाइटिंग कोरोना वायरस सच एज हैंड सैनिटाइजर है, मास्क है, ग्लोव्स है, हेड गेयर, बॉडी सूट्स ओवरऑल, देन वेंटिलेटर्स है, टेस्टिंग लैब्स है, क्लिनिक्स है, ये सारी चीज के लिए वो एक स्कीम बनाया. ये नया स्कीम है. ये मैक्सिमम लोन है 50 लाख और इंटरेस्ट रेट है 5% और कोई कोलैटरल सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है. फिर इसके अलावा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस इसमें वो कवर सकते हैं. इसको थोड़ा अराउंड 1-1.3% फीस क्रेडिट गारंटी फीस देना है. वो सिडबी ने स्टार्ट किया और इंडियन बैंक ने स्टार्ट किया MSME के लिए अलग है, स्मॉल MSME के लिए वो दैट एमरजेंसी लोन वो नाम लिखा है वो टू मीट द टेम्पररी लिक्विडिटी मिसमैच ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड. ये है इधर 10% ऑफ द वर्किंग कैपिटल सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम 50 लाख वो दे देगा. वो स्कीम है वो ये सारे स्कीम एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है इधर 8.75%. रिपेमेंट पीरियड वो 36 मंथ्स दे दिया, फिक्स किया फॉर लोन अप टू 25 लाख. लोन अबाउट 25 लाख मैक्सिमम 60 मंथ्स है. इधर भी मॉरेटोरियम 6 महीने का मॉरेटोरियम दे दिया. वो स्कीम है अप टू सितंबर तक वो चालू है. वो सारे ये बैंक्स इंडियन बैंक और एक स्कीम है बड़ा एंटरप्राइज के लिए स्कीम है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा.
आप को डिफरेंट अवर हमारा एंटरप्राइज डिफरेंट बैंक में आप ये लोन फैसिलिटी है, वर्किंग कैपिटल होगा और टर्म लोन होगा, आप वो बैंक में अप्रोच करके, ब्रांच को अप्रोच करके आपका रिक्वायरमेंट बताना है, आप थोड़ा एक प्रोजेक्शन करना है आपका रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा थॉमस जी ने भी बताया शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट, आपका शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या एक्सपेंडिचर हो जरूरत है, रेंट हो सकता है, लेबर पेमेंट हो सकता है, मटेरियल परचेस, रॉ मटेरियल करना है, वो आप एक थोड़ा डिटेल एस्टिमेट बना के ब्रांच को आपका अप्रोच करना है और आप ब्रांच को वो आप एग्जिस्टिंग बोरोवर्स को वो लोन दे देंगे। एक ही कंडीशन है, आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट उधर रेगुलर होना चाहिए, वो एनपीए होने के वो मतलब नहीं है, वो रेगुलर होना चाहिए, अप टू फेब्रवरी इंस्टॉलमेंट अप टू डेट होना चाहिए और सर्विसिंग ओडीसीसी का इंटरेस्ट अप टू फेब्रवरी सर्विस कर रहा है, करेक्ट से ठीक से सर्विस कर रहे हैं, उसको ये बेनिफिट मिलेगा। एनी क्वेश्चंस आई कैन आंसर, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू। कुछ हम लोग ने डोनर्स और फंडर्स भी जो अभी उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है रैपिड रेस्पॉन्स फंड, डिफरेंट काइंड ऑफ इनोवेशन फंड, तो मैं वो अपने पीपीटी में डिस्प्ले की हूँ, बट लाइक फॉर एग्जांपल मेरिको इनोवेशन फंड, इन्होंने एक अभी ग्रांट अनाउंस किया है इनोवेट टू बीट कोविड, इसमें स्पेशली ये कोई भी एंटरप्राइज इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो मेडिकल टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं और कोई इनोवेटर्स भी, और इनका मेन पर्पस है कि जो सॉल्यूशंस हो जैसे कि वेंटिलेटर्स, रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन और पीपी, वो एक इनोवेट किए हो और उनको मैन्युफैक्चरिंग या कमर्शियलाइज किया जा सके, उसका कुछ टाइम पीरियड भी है, बाय अप्रैल 15 तक इसके लिए अप्लाई करना है, और स्टार्टअप इंडिया ये भी स्पेशली फॉर इनोवेटर्स है, जो स्टार्टअप्स है या इनोवेटर्स, इनका भी मेनली फोकस है रिलेटेड टू जो इनोवेशन हो टेक्नोलॉजी में, फॉर एग्जांपल नॉट ओनली द इक्विपमेंट्स, मे बी वन कैन बी अ ऐप आल्सो और द ट्रैकिंग मेथड, जियोफेंसिंग, ऑल दोस थिंग्स, इसके लिए भी लोग जो हमारे इनोवेटर्स है या जो इस तरह का इस पे काम कर रहे हैं वो भी इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड देर इज अनदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड आल्सो, एनी कंपनी एंड एनी एंटरप्राइजेस कैन आल्सो अप्लाई, देर इज नो टाइमलाइन फॉर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, सो द पर्पस इज सेम, उनका पर्पस भी सेम है जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन में हो, स्पेशली जो मिटिगेट करे COVID-19 इम्पैक्ट को। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ने एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनोवेशन चैलेंज को लाया है, COVID-19 सॉल्यूशन चैलेंज, इसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई इंडिविजुअल्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इनोवेटर्स, कोई अगर ऐप डेवलप किया हो या कोई डेटा सेट्स जिससे हम लोग ट्रैक कर सके COVID-19 इम्पैक्ट को, वो सॉल्यूशन शेयर कर सकते हैं, उसमें एक सुटेबल रिवॉर्ड है और अगर सॉल्यूशन वायबल है तो उसको वो स्केल करेंगे। एंड केरला गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया सिमिलर काइंड ऑफ आइडियाज एंड सॉल्यूशन टाइप कोरोना, एंड इसमें एनजीओस भी अप्लाई कर सकते हैं और कोई इनोवेटर्स इवन इंडिविजुअल पर्सन भी कर सकते हैं। एक अभी एक्ट एक्शन COVID-19, ये अभी सारे स्टार्टअप मिलकर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इसका मेन पर्पस है जो हमारे स्टार्टअप हो या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हो उनको कैसे उनके बिजनेस में सपोर्ट दिया जा सके, लेकिन पर्पस ये है कि COVID-19 जो इम्पैक्ट है उसको कैसे मिटिगेट करें, इसका भी फोकस है अगर कोई हेल्थ केयर रिलेटेड कुछ डेवलप किया हो
maybe PPE, like prevention office paid, different kind of equipment develop kiya ho related to health only, to isme apply kar sakte hain. Aur ek fixed grant hai jo usko avail kar sakte hain, jinki ideas select hogi. To ye hum log ne process kiya hai ki jitne schemes hain announced by the government related to financial institutions and funders and donors, ye hum log ne collate kiya hai. Apart from this, अगर कोई क्वेरीज है तो हम लोग आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में. थैंक यू श्वेता, थैंक यू हेगड़े सर. बहुत सारे लोग ये स्लाइड्स के लिए पूछ रहे हैं. हम जरूर आपके साथ ये स्लाइड्स सारी शेयर करेंगे और जैसे जैसे न्यू स्कीम्स या कोई और अनाउंसमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में, पर उनको लेने से पहले मैं गेस्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगी जो मिस्टर श्रीधर मूर्ति है, हु इज जनरल मैनेजर एमएसएमई डिपार्टमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा में. वी आर वेरी लकी टू हैव हिम क्योंकि सर के पास ऑलमोस्ट 36 ईयर का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सर्विस में. इन्होंने एग्रीकल्चर किया है और 1984 में एग्रीकल्चरल ऑफिसर की तरह पहली बार विजय बैंक में ज्वाइन किया था. काफी बार ब्रांच हेड रह चुके हैं, डिफरेंट स्टेट्स में काम किया है और रीजनल हेड भी थे बैंगलोर और मैंगलोर रीजन में. और सर ने फैकल्टी की तरह भी काम किया है स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज विजया बैंक. जब विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर हुआ तो सर ने बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉर्पोरेट ऑफिस में जो मुंबई में है वहां पे एमएसएमई के हेड की तौर पे काम करना शुरू किया और दैट्स द पोजीशन सर होल्ड्स राइट नाउ. सो रियली रियली थैंक यू श्रीधर सर आपके टाइम के लिए. एंड प्लीज अगर आप भी कुछ ऑलरेडी श्वेता और हेगड़े सर ने एमएसएमई स्कीम्स के बारे में बताया है, अगर आप हमारे एंटरप्राइजेस को भी प्लीज थोड़ा सा स्कीम्स के बारे में बता दें. थैंक यू. सो थैंक यू, गुड इवनिंग. मैं श्रीधर मूर्ति, जनरल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा. मेरे साथ मेरा कोलीग मिस्टर मानस मिश्रा भी है, वो भी असिस्टेंट जनरल मैनेजर है. अभी मैं क्या बोलने वाला था, हेगड़े सर ने काफी कुछ बोल दिया है, बट लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में कोविड के बारे में लेटेस्ट क्या चल रहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर सम ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स. अभी हेगड़े जी ने काफी स्कीम्स के बारे में बताया, डिफरेंट बैंक का डिफरेंट स्कीम्स है कोविड इमरजेंसी फंड का. बैंक ऑफ बड़ौदा का भी सिमिलर स्कीम है, वो लॉकडाउन होने का विद इन 48 आवर्स ये स्कीम लॉन्च हुआ, सभी बैंक्स ने लॉन्च किया है. सो बैंकर्स इसमें रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है. ये मैनकाइंड का ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, ये इसमें आप अकेला नहीं है, हम भी है और पूरा दुनिया है. सो इसमें कोई डरने का बात नहीं है. अभी 4 करोड़ लोग लॉकडाउन में है, वो मैनकाइंड में ऐसा एक सिचुएशन कभी भी नहीं आया था, बट इसको फेस करने के लिए सभी तैयार है और हम भी तैयार है. अभी पहले ये बताऊंगा अभी इमरजेंसी फंड का क्या है, बिकॉज कुछ लोग ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल लिया होगा बैंकों से, सभी बैंक ने लॉन्च किया. अभी हमारा ये वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन का तरफ से दिया जाएगा, मीन्स एक तरफ से टर्म लोन ही है. सो सभी अकाउंट एलिजिबल होंगे एक्सेप्ट SMA 1 और 2, मीन्स 30 डेज तक ओवरड्यू है वो भी इसको ले सकता है. 30 डेज का ऊपर ओवरड्यू है वो एलिजिबल नहीं बनेगा, बट लेकिन वो उसका ओवरड्यू को 30 डेज का अंदर लेके आ जाता है वो भी इसमें एलिजिबल बन जाता है. सो इसमें क्या है, 10% इमरजेंसी फंड मिलेगा. किसी का 10 लाख का लोन है उसको 1 लाख मिलेगा, किसी का 50 लाख का लोन है उसको 5 लाख मिलेगा. एंड मैक्सिमम कैप हम रखा है 200 करोड़, क्योंकि ये सिर्फ स्मॉल बिजनेस के लिए नहीं है, पूरा इंडिया में सभी कंपनी सभी कारपोरेट सब कुछ बंद हो चुका है. एंड इफ द कारपोरेट्स बंद हो जाता है उसका इफेक्ट धीरे धीरे आके मुद्रा लोन तक पहुंचता है, क्योंकि उसका सप्लाई चेन पूरा बंद हो चुका है. वो कारपोरेट्स को सप्लाई करने वाला एमएसएमई होता है, एमएसएमई को सप्लाई करने वाला वेरी स्मॉल बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होता है. सो इस लोन का रिपेमेंट होगा 24 मंथ्स में, 6 मंथ मोरेटोरियम रखा है, क्योंकि 6 मंथ तक तो आपको कैश फ्लो स्टेबिलाईज होने में टाइम लगेगा, बिजनेस चालू करना पड़ेगा. सो हमने इसको बलूनिंग रिपेमेंट दिया है क्योंकि किसी और बैंक ने बलूनिंग का रिपेमेंट नहीं दिया, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स बिगिन विद इन 1 ईयर आपको सिर्फ 15% वापस देना है बस, रिमेनिंग 85% आफ्टर 1 ईयर का बिटवीन 1 और 2 ईयर्स नेक्स्ट 12 इंस्टॉलमेंट में रिमेनिंग 85% देना है. हमने इसलिए किया क्योंकि ये कैश फ्लो वापस रीजनरेट करने में काफी मुश्किल होगा लोगों को,
बिजनेस शुरू किया तो भी वो ओरिजिनल स्टेटस में लेके आने के लिए काफी टाइम लगेगा। अभी हमने और एक चीज किया, इसमें कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं है। इंटरेस्ट रेट BRLLR वो क्या है 7.25% रखा है, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है, किसी चार्जेस का देने का जरूरत नहीं है। एंड इसमें अनलाइक अदर बैंक्स वी हैव केप्ट 20% क्लीन, कोई सिक्योरिटी इवन स्टॉक का भी जरूरत नहीं है। सपोज 10 लाख का किसी का लिमिट है, हम 1 लाख देता है, इसमें अबाउट 20,000 ही कैन यूज इमीडिएटली विदाउट एनी सिक्योरिटी। हमने इसलिए रखा क्योंकि उसका भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, उसका मजदूरों को सैलरी देना है, वो ये सभी करने के बाद ही उसका यूनिट चालू हो सकता है। सो हम इसको सोचते हुए हम उसको 20% का क्लीन लिमिट भी रखा है। सो ये 30 जून तक अवेल कर सकता है। और ये MPBF का ऊपर है, मीन्स हमने क्या असेस किया उसका वर्किंग कैपिटल, उसका ओवर एंड अबो ये रहेगा। एंड हमने ये भी किया बिकॉज अभी ये डॉक्यूमेंटेशन करके ये लोन लेने में बहुत मुश्किल होता है, सो इसलिए हमने ये किया, सिर्फ एक अंडरटेकिंग लेटर लेंगे क्योंकि स्टैम्प पेपर नहीं मिल रहा है, ROC बंद है, देन सबरजिस्ट्रार ऑफिस बंद है, मार्केट का क्रिएशन नहीं हो सकता, ये सभी देखते हुए हमने सिर्फ एक अंडरटेकिंग लेटर बोरियर से दट ये सभी डॉक्यूमेंट वो बाद में एग्जीक्यूट करेगा और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को परफेक्ट करेगा। सो ये सभी सोच के सिर्फ एक अंडरटेकिंग लेटर का ऊपर हम ये दे रहे हैं। एंड अभी लेटेस्ट चीज बताऊंगा, अभी हेगडे सर ने SI स्कीम सभी बैंक का एक्सप्लेन किया। अभी क्या हुआ है, सभी बैंक एक एक स्कीम लागू कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है। अभी जस्ट नाउ हमने एक VC किया, अभी 5 बैंक का एक कमिटी बनाया गया है। मैं अभी दोपहर में वे VC अटेंड करके आया। इसमें स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक है। अभी हमारा आइडिया ये है एक मॉडल प्रोडक्ट बना के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक ही प्रोडक्ट होगा अक्रॉस द कंट्री, सो दैट बोरोअर्स को भी क्या एप्लीकेशन देना है, कितना इंफॉर्मेशन देना है, क्या टर्म्स है, क्या एक्सेप्ट इंटरेस्ट रेट और अमाउंट छोड़ के हर कंडीशन सेम होगा हर बैंक में। सो इसका हम अभी कोशिश कर रहे हैं, 1-2 दिन में शायद ये फाइनल हो जाएगा। बट अभी हम ये इमरजेंसी फंड में क्या बोल रहे हो, वो तो सिर्फ एक एक पेशेंट को ऑपरेशन हो चुका है, हम सिर्फ एक बैंडेड लगा रहे हैं, इसमें काम चलने वाला नहीं है। अभी हमारा काम यह है उसका वर्किंग कैपिटल का साइकिल पूरा बिगड़ चुका है, उसका कैश फ्लो और सप्लाई चेन्स बंद हो चुका है, हमको उसका पूरा रीअसेसमेंट करना है। दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन, रीअसेस करके दोबारा लिमिट फिक्स करना है। वो रीअसेसमेंट के लिए अभी अगेन सेट ऑफ बैंकर्स हमने बैठा है, उसका काम ऑलरेडी चालू है। बिकॉज हमारा आइडिया ये है 14th को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, देन इमीडिएटली चालू करने के लिए प्रोडक्ट्स बैंक के पास रेडी होना चाहिए, एंड 14th मॉर्निंग इटसेल्फ वी मस्ट बी रेडी विद द एंटायर प्रोडक्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोअर्स। इसके लिए हमने ये सोचा, अभी सबका वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत बिगड़ चुका है, उसका स्टॉक होल्डिंग पीरियड ज्यादा हो गया, उसका डेटर्स पीरियड बढ़ गया। सो हमने असेस किया था से 25% ऑफ द टर्नओवर, इसमें 20% दिया था, शायद इंस्टेड ऑफ 4 ऑपरेटिंग साइकिल्स वो बरायर का शायद 2 ही ऑपरेटिंग साइकिल होगा करंट ईयर में। सो इंस्टेड ऑफ 25% इसका वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा 50%। सो ये सभी देखते हुए हम अभी नया असेसमेंट होगा, वो 14 से शायद चालू हो जाएगा, इसका भी हर बैंक अभी कोशिश कर रहे हैं लोगों का मदद करने के लिए। एंड उसका पहले ही हम और एक किया था, उसका नाम है स्टैंड बाई लाइन ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या है, 5 करोड़ तक लिमिट किसका है, उसका 25% एडिशनल वर्किंग कैपिटल, मींस ये कोविड का पहले ही हम किया था फरवरी महीने में, वो अभी भी लागू है, वो 25% एडिशनल वर्किंग कैपिटल ले सकता है। एंड बट लेकिन इसमें मार्जिन 25% होगा स्टॉक और बुक डेट्स के ऊपर, और इंटरेस्ट रेट 0.5% ज्यादा होगा, बट लेकिन इसमें आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, 25% तक एडिशनल मिलेगा, ये भी आप फायदा उठा सकते हैं। एंड और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी ये सभी बेनिफिट्स आपको मिलेगा प्रोवाइडेड योर अकाउंट इज नॉट NPA, इधर SMA 0 और 1 तक आपको मिलेगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है, कुछ लोग मार्च का फेब्रुवरी एंड का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा था, अभी 31 मार्च को वो लोग NPA हो गया, अभी NPA हो गया तो ये सभी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, एज इट इज ए बोरियर सफर कर रहे हैं और ये बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है, अभी किसी का दिसंबर का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा हो तो NPA हो गया, एंड उन लोगों अपग्रेड कर दिया तो अकाउंट को, उसको 2-3 बेनिफिट होगा।
एक है तीन महीने का मोरेटोरियम, हेगडे जी ने एक्सप्लेन किया, तीन महीने का मोरेटोरियम मिल जाएगा, मार्च अप्रैल मई का वो भरने का जरूरत नहीं है। देन एक कोविड का स्पेशल पैकेज मिल जाएगा, उसका वर्किंग कैपिटल लिमिट रीअसेसमेंट हो जाएगा एंड उसका एनपीए होने के लिए और 90 डेज तक टाइम मिलेगा उसको। फाइनली उसको 180 डेज तक उसको ब्रीदिंग टाइम मिल जाएगा, एडिशनल फंड मिल जाएगा, रीअसेसमेंट का चांस मिल जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी सभी एंटरप्रेन्योर्स को सोचना है, दैट एनपीए मात्र को ये सभी भर के सबका फायदा उठाने का कोशिश करने का जरूरत बहुत है। बिकॉज ये नहीं हुआ तो ये तीन महीने का मोरेटोरियम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड और एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये मोरेटोरियम तो अच्छा बात है बट लेकिन मोरेटोरियम का एक कास्ट है। अभी क्या पोस्टपोन होता है आपका, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सो अभी किसी का ईएमआई तीन महीने का अभी आपने बढ़ा दिया, कोई 15 साल का हाउसिंग लोन था, बाद में आपको 7-8 क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है, किसी को ये बेनिफिट नहीं चाहिए, कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, उसका कैश फ्लो इम्पैक्ट नहीं हुआ है और फाइनेंशियली वेल टू डू है, आप सोच समझ के ये डिसीजन ले लीजिए। हमने तो ये मोरेटोरियम हर आदमी को दे दिया बट लेकिन हमने सभी कस्टमर्स को SMS भेज रहा है, किसी को बेनिफिट नहीं चाहिए वो ऐसा बोला था, हम उसका डिडक्शन लागू रखेंगे। सो ये डिसीजन बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिया है। सो इसको फायदा उठाने का पहले एक बार सोचना अच्छा है, क्योंकि अननेसेसरी बर्डन भी बोरोयर्स के ऊपर नहीं होना है। और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी स्कीम्स हैं, आई थिंक उसका बारे में अभी इतना ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी ये तो कोविड का बात है, वो नॉर्मल स्कीम्स तो बिजनेसेस लागू हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद मिलेगा। मुद्रा है उसमें 50,000 का शिशु किशोर और तरुण तीन तरह का लोन है, 50,000 तक और 50,000 टू 5 लाख तक और 10 लाख तक कम इंटरेस्ट में मिलेगा, कोई कोलैटरल का जरूरत नहीं, कोई गारंटर का जरूरत नहीं है। देन स्टैंड अप इंडिया है, वो 10 लाख से 1 करोड़ तक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा, SC ST और वुमेन बेनिफिशियरीज के लिए। देन प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, इसमें भी 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस के लिए 10 लाख तक, इसमें सब्सिडी भी है, 15-35% तक सब्सिडी है, मार्जिन भी 5-10% है। और बैंक का अंदर और बहुत स्कीम्स है, आरोग्य धामी है, विद्यास्थली है, देन सप्लाई चेन फाइनेंस है, हर तरह का स्कीम्स अवेलेबल है MSME के लिए। बट लेकिन उससे ज्यादा में बात करने का पहले मेरे को पहले कोविड से बचा के बिजनेसेस क्या बंद हो चुका है या ऑलरेडी सफरिंग था MSME लास्ट ईयर का, बहुत इकोनॉमी बहुत डाउन टर्न था एंड उसका ऊपर और एक झटका लग गया, उससे बच के लोगों का बिजनेस को दोबारा चालू करना है, इस मदद के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा तैयार है। और किसी का क्वेश्चन है तो हम आंसर करेंगे स्पेसिफिक। और ये प्रोडक्ट में क्या बोला, रीअसेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो भी 3-4 बड़ा बैंक हम मिलके उसका एक फॉर्मेट बना रहे हैं, मिनिमम इंफॉर्मेशन, मिनिमम पेपर वर्क बोरोअर से लेके सबका वर्किंग कैपिटल रीअसेस करने का कोशिश चल रहा है, इससे परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी फंड एंड ऑल ये तो एक टेम्पररी सोल्यूशन होगा। सो वो 14th का पहले वो भी बोरोअर्स को मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चंस है तो, कोई डाउट्स है तो मैं आंसर करूंगा। जी, थैंक यू सो मच श्रीधर सर, जो भी आपने बोला वाज वेरी हेल्पफुल, इट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस जो लोग पहले पूछ रहे थे, हेगड़े सर ने जो प्रेजेंट किया, आपने जो प्रेजेंट किया, काफी सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं। एक जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो है कि, एंड हेगड़े सर आप भी प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, मूर्ति सर आप भी, कि ज्यादातर जो स्कीम अनाउंस हो रही है अभी वो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स के लिए है, पर अब जो काफी सारे MSMEs हैं उनके वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम है, कैश फ्लो ज्यादा, लिक्विडिटी नहीं है, यू नो एम्प्लॉयज को पे करना है, तो आर देर एनी स्कीम जो न्यू बोरोअर्स के लिए अभी लागू है? See, अभी न्यू बोरोअर्स के लिए आई डोंट नो कितना लोगों को पता है, एक PSB 59 बोल के एक पोर्टल है, वहां मुद्रा भी अप्लाई कर सकता है। किसी ने लोन अब तक नहीं लिया वो पोर्टल का थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, बट अप टू 5 करोड़ तक का लोन अप्लीकेशन उसमें सबमिट कर सकता है PSB 59 में, एंड वो एक इन प्रिंसिपल सैंक्शन मिल जाएगा उसको। और काफी लोगों का करंट अकाउंट होगा बैंक में, वो काफी लोग लोन लिया नहीं होगा बिकॉज लोन का जरूरत नहीं पड़ा होगा या उसका खुद का कैपिटल होगा,
बट अभी ऐसा सिचुएशन आ गया, काफी करंट अकाउंट होल्डर्स एमएसएमई बोरोयर्स हु हैड नॉट टेकन लोन्स, उसको अभी सडनली लोन का जरूरत पड़ गया जी। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, उसका करंट अकाउंट किस बैंक में चल रहा है पहले वो बैंक में अप्रोच करें, क्योंकि उसका रिलेशनशिप है, केवाईसी हो चुका है, उसका ट्रांजेक्शन उस बैंक में है, वो बैंक में जाके रिक्वेस्ट करें, एंड सो दैट यू नो फंडिंग का ये हो जाएगा। नहीं तो पीएसबी 59 में ऑनलाइन भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड हमारा बैंक में तो पीएसबी 59 का अलग पोर्टल है और बैंक का इंटरनल पोर्टल भी है, सो इंटरनल पोर्टल के थ्रू हमारा वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया तो उसका कोई चार्जेस भी नहीं लगेगा, वो चार्जेस बैंक ने बेयर करेगा। वो बाहर का पोर्टल से अप्लाई किया तो 1,000-1,500 तक खर्च होगा, हमारा इंटरनल पोर्टल में अप्लाई किया तो वो खर्च वो बैंक भरेगा उसका। Murthy ji, I want to ask you one question. Some participants they have asked with the merger of banks. Syndicate Bank is merged with the Canara Bank and some 10 banks they have merged. With this merged entity, whether these people will be able to get this benefit? Since you are the part of Vijaya Bank and it was merged to Bank of Baroda, then this is, circumstances, whether these the old banks that maybe Syndicate Bank, United Bank, Andhra Bank or Corporation Bank, whether help this borrow? Some people have raised that question. Okay, I'll answer that. See, this by this amalgamation or merger process, for example, Syndicate Bank has merged with Canara Bank. It is business as usual. There is no change at all. Only thing is, Syndicate Bank will start following the interest rates, products, processes and policies of Canara Bank. That is all. Other than that, as of now, there will be no change, and all the schemes or products which are available in Canara Bank will be available in Syndicate Bank, and similarly with all other amalgamated banks, right from 1st April onwards. And this new borrowers, I think Mudra is the good scheme, up to small borrowers, up to 10. Yes, yes, yes. Yeah. Maximum people can take advantage of that scheme. वही मैं मुद्रा का मेरा रिक्वेस्ट है वो पीएसबी 59 में अप्लाई करे, क्योंकि पीएसबी 59 में तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकता है, बिकॉज वो ब्रांच में जाके रिक्वेस्ट करने का वो चक्कर काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार अप्लाई कर दिया तो उसका फॉलोअप टॉप लेवल पे शुरू हो जाता है, कितना पेंडेंसी है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन प्रिंसिपल सैंक्शन बॉरोअर को इमीडिएट मिल जाता है और उसके बाद हम यहाँ से फॉलोअप करेंगे। सो माय रिक्वेस्ट इज ऑल दोस न्यू entrepreneurs who are not borrowed can use this portal and apply for mudra loans through this PSB 59. So Bapita, आपका भी next question था कि अगर कोई इस isolation period में या lockdown period में अगर bank facility access नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे loan ले सकते हैं, तो I think sir ने अभी ये answer कर दिया है। इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन आया था कि अगर किसी कस्टमर के पास या borrowers के ongoing loans हैं, जैसे अगर ongoing मुद्रा loan है, उन पे क्या टॉप अप हो सकता है अगर उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई हो अभी, क्या वो एक ऑप्शन है? हाँ, वो हो सकता है, कोविड में उसको भी 10% एक्स्ट्रा तो इमीडिएट अवेल कर सकता है वर्किंग कैपिटल लेकर। जी थैंक यू। और एक और लास्ट क्वेश्चन था जो कुछ लोगों ने पहले बोला था कि अभी क्या स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए कोई डेट कैपिटल अवेलेबल है या कोई स्पेसिफिक इंसेंटिव्स अवेलेबल है इस टाइम पे? आई थिंक फाइनेंस मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट, बजट में अनाउंस भी हो चुका है, शायद वेरी शॉर्टली वो आएगा, डिटेल्स अब तक नहीं है, वो वेरी शॉर्टली वो भी आएगा जी। फिलहाल नहीं है बट लेकिन एक दो महीने में शायद इट शुड we should get a clear picture about it. Sure sir, sure. So thank you so much Sridhar Murthy sir and Hegde sir, Shweta my colleague, sare questions I think abhi ke liye, I know aap bahut sare log in schemes ko approach karna chahenge, bank ko approach karna chahenge, sir ne jo portal ke bare mein baat ki thi wo hum aapke sath zarur share karenge, to koi bhi agar follow up ke liye koi bhi help chahiye ho hum aapke already with all of you हम follow up करेंगे। So but thank you so much Sridhar sir, आपने बहुत time निकाला हमारे entrepreneurs के लिए। Thank you and up to 10 lakh MSME में कोई collateral का जरूरत नहीं है। I think I don't know whether all your people who are in the conference are aware and bank में
जाने के लिए डरने का बात नहीं है. कुछ लोग ऐसा सोचता है अंदर जाने के लिए डरता है, कुछ सर्विस पूछने के लिए डरता है. बैंक है आपके लिए, ये तो पब्लिक सेक्टर बैंक है. वी आर इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग एंटरप्राइजेस, क्रिएटिंग असेट्स एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट. सो डरने का बात नहीं है एंड पूछने के लिए भी डरने का बात नहीं है. सीधा जाइए, आपका अकाउंट है तो मैनेजर से पूछिए, उसको आंसर देना पड़ेगा. एंड ये सभी मदद के लिए सभी बैंक तैयार है, नॉट ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा. बिकॉज मैं यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस में हूँ, मैं डेली देख रहा हूँ कितना इनिशिएटिव्स हो रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, आरबीआई की तरफ से. डेली एक दो वीसी होता है. अभी भी मैं दोपहर में बोला ये कोविड का देख के ही वीसी हुआ. एंड ऑल बैंक आर गेयरिंग अप टू फेस यू नो पोस्ट कोविड सिचुएशन, बिकॉज बहुत रश होगा ब्रांचेस में, वो कस्टमर्स भी आएंगे और काफी रिक्वेस्ट होगा रीअसेसमेंट के लिए. हम सभी तैयार हो रहे हैं इसके लिए. तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, किसी का डरने का बात नहीं है. लेट अस ऑल फाइट इट टुगेदर एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच श्रीधर सर अगेन. थैंक यू ऑल द एक्सपीरियंस आल्सो. हमारा ओरिजिनल एजेंडा में वी हैड सम अदर इंटरेक्शन सेशन जो इंक्यूबेटर्स के साथ था, पर डिस्कशंस काफी डिटेल्ड हुए हैं एंड थैंक यू सो मच. आप सब लोगों ने काफी क्वेश्चंस चैट में भेजे हैं जो होपफुली हम आंसर कर पाए हैं, अभी भी आ रहे हैं. तो प्लीज चैट में क्वेश्चंस भेजते रहिए और नेक्स्ट सेशन में हरीश सर विल बी coming in and sharing his experience also, and also giving advice on how to approach such situations. Harish sir, I will keep summarizing. If there is any question that has been missed, I will summarize for you. But please, I don't know if he's here. Is he here? Yeah, Harish sir. Thank you, Shreya. Thank you, Rajita. Thank you, Shreedhar Murthy sahab ko. कि आपने आपका बहुमूल्य समय हमारे लिए रखा और हमारे जो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ आपने जो सलाह दी, हम काफी आभारी हैं. धन्यवाद आपको. आज की जो सेशन हमने शुरुआत की है सबके लिए, स्पेशली हमारे एंटरप्रेन्योर और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स के लिए, कि ये है. हाँ, ये बहुत ही ये जो स्थिति है गंभीर है. स्थिति हम एक साथ कैसे एक साथ इसको हम एक गंभीर स्थिति से बाहर निकल पाए. काफी हमारे पास तो सजेशंस हो सकते हैं, लेकिन जो हर 24 घंटे में जो स्थिति चेंज हो रही है, स्थिति की बदलावना हो रही है, उससे हम उसको हम देखकर कैसे हमारे बिजनेस हो या हमारे एंड यूजर्स हो, उनके लिए हमने जो शुरू किए एक साल हो या दो साल हो या दस साल हो पीछे, अभी हम एक साथ जुड़ के एक साथ हम अगर प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को शेयर कर सकें तो उतना ही हम बाकी लोग को सुविधा होगी और हमको भी सुविधा होगी कि हम इससे आगे कैसे बढ़ें. पहले तो मैं आप सबको ये थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने आया, आप आए इस पे एंड क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं. बट लेकिन ये एक घंटे की जो सेमिनार है ये तो फर्स्ट शुरुआत है. मैं स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करता हूँ मेरे हर एंटरप्रेन्योर दोस्त और इनोवेटर दोस्त को कि सेल्को फाउंडेशन एंड सेल्को इंडिया में आप एक जन को पकड़ लीजिए, आपका जो कांटेक्ट पॉइंट हो एक, एंड वाया इंक्यूबेशन हो या वाया, आई विल आस्क माय इंक्यूबेशन कोलीग्स टू मेक श्योर दैट एवरी वन ऑफ देम हैज वन कांटेक्ट एंड दैट फोन, वो फोन शुड नॉट बी स्विच्ड फॉर 24/7, बिकॉज ये समय है जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए साथ, उनको सपोर्ट चाहिए, उनके साथ हमको रहना चाहिए. सो आपका फोन, I should not hear from any of my colleagues that phone was not answered or switched off, because this is a crisis for everybody. And main dusri baat suggest karna chahta hu ki after this call jo Thomas sir ne kaha, Hegde sahab, Swetha, as well as Shreedhar Murthy sahab ne jo bataya humko, isme kafi information humne 45 minutes mein diye hain. Iska agar hum powerpoint bhi bheje तो काफी को कंफ्यूजन स्टिल रहेगी. इसलिए इफ यू कैन रिक्वेस्ट
either some of us, whether it is Roshan, whether it is Luca, whether it is Anshuman, whether it is Khushbu, please request ki humko ek one-to-one session chahiye. Aap bataiye kiske saath one-to-one session chahiye. वो भी अगर आपको पता नहीं किसके साथ तो आपको बोलिए कि मुझे एक क्वेश्चंस आंसर करने के लिए हमको वन टू वन सेशंस चाहिए तो हम आ जाएंगे सुबह 6 बजे हो या रात को 8 बजे हो हम वो आपको आंसर करेंगे जरूर एंड उसके लिए हम कुछ ना कुछ जितनी हमारी पार्टनरशिप और हमारे हाथ में हो सकती है हम वो सॉल्यूशन एक साथ निकालेंगे बहुत ही गंभीर सिचुएशन है बट लेकिन एक गंभीर में ही सेल्को की जरूरत सेल्को की सेल्को और आपकी जो पार्टनरशिप की एक्चुअल मूल्यता या इम्पोर्टेंस अभी पता चली है हमसे सो इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी सबको कि प्लीज यूज वन टू वन वेबिनार करेंगे आपके साथ आपको अगर और भी मुश्किल हो रही है आपके साथ बैठ के हम कैश फ्लो को जैसे थॉमस सर ने कहा कि आपको अभी कैश फ्लो देखना पड़ेगा आपको सप्लायर्स के साथ कॉस्टिंग करने आप रिक्वेस्ट अगर आपको कोई सप्लायर से तकलीफ हो रही है या आपको कोई बैंक स्कीम के साथ बात करने को तकलीफ हो रही है हम आएंगे हम उसके फोन पे आ सकते हैं उसका सजेशन दे सकते हैं आप वन टू वन वेबिनार भी कर सकते हैं दूसरी बात जैसे किसी ने कहा कि और क्या बिजनेस कर सकते हैं वो हम आपसे भी जानना चाहते हैं लोकल डीसी हो लोकल गवर्नमेंट हो लोकल पंचायत हो लोकल सर्विस इंडस्ट्री हो अभी क्या क्या हो रही है ये नेक्स्ट वन वीक में नेक्स्ट वन मंथ में आप अगर हमको सलाह दें कि ये हो रही है हमारे एरिया में हम एक साथ आपके साथ बैठ के हाँ इसमें आपके लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या इनोवेशन अपॉर्चुनिटी है कि नहीं हम एक साथ निकालें सब में कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी होगी बिजनेस या पी आर रिलेटेड मैं ये भी सलाह मैं सलाह तो नहीं सजेशन चाहता हूँ आपसे कि दिस इज द टाइम कि हम डीसीज हो पंचायत हेड्स हो उनके साथ हम अभी रिलेशनशिप करें और सेल्को से पूछिएगा कि बाकी जगह में हम कोविड रिलेटेड वर्क क्या कर रहे हैं बिहार में हम हॉस्पिटल्सों के साथ क्या काम कर रहे हैं हम ऑर्फोनेजेस के साथ कैसे काम कर रहे हैं एटलीस्ट अगर हम सबको इंफॉर्मेशन तो दे दे ताकि लगे कि इंफॉर्मेशन देने से ये क्या होता कनेक्शन बढ़ता है कनेक्शन बढ़ने से क्या होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बढ़ता है सो ये जो नेक्स्ट वन वीक स्पेशली वन वीक उसके बाद काफी कुछ बदलाव होने वाला है इसलिए मैं वन वीक की बात कर रहा हूँ नेक्स्ट वन वीक इमीडिएटली आप ये कीजिएगा कि आपको किसके किसके साथ क्या प्रश्न का डिटेल्ड आंसर चाहिए सेल्को में हम वन टू वन सेशन करेंगे आपके साथ दूसरा जो जो स्कीम में आपको कंफ्यूजन है फिर से वो क्वेश्चंस आप हमें द्वारा दीजिएगा तो हम उसको आंसर कर सके इवन हम श्रीधर मूर्ति साहब जैसे बाकी बैंक के जीएम के साथ भी बात करके देख सकते हैं कि क्या हो सकता है जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे तीसरी बात CSR अगर आपके लोकैलिटी में CSR का पोटेंशियल है या सेल्को को पूछिएगा कि हमारे एरिया में CSR का पोटेंशियल है प्लीज आस्क अस कि पोटेंशियल प्रोजेक्ट प्रपोजल्स कैसा लिखा जाता है पोटेंशियल प्रपोजल्स लोकल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज को हम कैसे दें आप सेल्को के पास टेम्पलेट्स हैं CSR के आप उसको प्लीज पूछिएगा सो मैं ये बोलना चाहता था कि हम आपके साथ हैं हम आपके कंप्लीट सपोर्ट में हैं अगर आपकी सक्सेस होगी हमारी एब्सोल्युटली बट आपकी अगर कुछ भी फेलियर होगी वो हमारी बड़ी फेलियर है सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट दिस इज योर आपकी फैमिली है एंड हम एक साथ इसको जैसे एक तूफान सी आ चुकी है और हम एक नाव पे बैठे हुए हैं एंड इसको हमें एक साथ हमें इन नाव को पार करना पड़ेगा ये तूफान से सो योर सजेशंस योर एडवाइस योर क्रिटिसिज्म एंड प्लीज टेक एनी सपोर्ट बट 24/7 मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि हमारे फोन्स ओपन है
आपके लिए प्रपोजल्स रेडी करेंगे हम एंड एनीथिंग एल्स बट सो आई वुड रादर दिस इज अ सेंस ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम आवर साइड हमारी तरफ से लेकिन आपको जो प्रश्न हो रचिता आई वुड आस्क यू टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट पीपल हैव आस्क्ड सो दैट आई कैन आंसर दैट वे या इफ आई मिस्ड आउट समथिंग प्लीज टेल मी जी हरीश सर एक क्वेश्चन था पहले काफी बात हुई स्पेशली थॉमस सर के सेशन में कि पैनल प्राइसेस बैटरी प्राइसेस पे काफी इम्पैक्ट होगा और जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं जो मे बी एक्सपोर्ट कर रहे थे चाइना से वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो उस टाइम पे काफी लोगों ने प्रश्न रेज किया था कि क्या हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहिए लोकल सप्लाई चेन कैसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं एंड उसी के रिलेशन में एक और एंटरप्रेन्योर ने पूछा है कि हम सब का रोल क्या हो सकता है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को हेल्प करने में बहन आपका पहली पार्ट मिस हो गई आपने क्या कहा पहला क्वेश्चन सर वाज काफी बात हुई थी कि जो सोलर पैनल्स और बैटरीज हैं उसके सप्लाई चेन में काफी इफेक्ट होगा बिकॉज काफी सारा वो चाइना से आता है तो हमें क्या करना चाहिए और सेल्को फाउंडेशन कुछ कर रहा है उस सप्लाई चेन को लोकल करने के लिए और दूसरा क्वेश्चन था कि जो यहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किस तरह से स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं हाँ, दो प्रश्न दो आंसर एक तो है थॉमस सर ने जो कहा कि हाँ सही है कि जैसे 2007 में सेम नॉट सिमिलर कम प्रमाण में हुआ था क्राइसिस लेकिन क्राइसिस तो हुआ था कि जर्मनी ने काफी कुछ सोलर पैनल्स की मांग की थी इसके कारण हमारी सोलर छोटे सोलर पैनल्स की कॉस्ट इंडिया में बढ़ गई थी 50% से सो उसे वो क्राइसिस अभी फिर से आई है सो सेल्को एक चीज कर रही है कि सेल्को इंडिया की भी बात करूं मैं सेम इशू आपकी जो है सेल्को इंडिया में भी है कि हमारी कॉस्ट एंड प्राइसिंग में क्या हो सकती है वो अभी जगदीश भाई सर और थॉमस सर उसमें नेक्स्ट टू डेज में एक देख रहे हैं कि उसकी इफेक्ट क्या हो सकती है कॉस्टिंग में क्या इफेक्ट हो सकती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से दो तीन जन डिफरेंट सप्लायर से भी बात कर रहे हैं कि उनके पास क्या स्टॉक हो सकती है सो हम इंडिविजुअली अगर हम आपके पास आ सकें कि इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी और वो कॉस्ट जो बढ़ रही है उसकी जो डेल्टा कॉस्ट है सपोज अगर हम आज 35 रुपया या 40 रुपया पर वॉट में खरीद रहे हैं और सोलर पैनल की कॉस्ट 65-70 रुपीस हो सकती है तो 25 रुपया की जो डिफरेंस है उसको हम किस तरह से हम सब्सिडाइज कर सकते हैं अगर सब्सिडी नहीं होता कि कॉस्टिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं हम उसको हमारी जो आंसर्स है नेक्स्ट 3-4 डेज में हम आपको रिटर्न में करें कि दिस इज आवर बिकॉज अभी भी क्लियर नहीं हुई कि उसकी उसकी क्या इफेक्ट है और एक हम क्या सकते हैं कौन कौन से सप्लायर के पास स्टॉक है क्योंकि अभी क्या हुआ कि काफी मैन्युफैक्चरर्स ने भी स्टॉक रखे हैं क्योंकि उनका जो ऑर्डर होने वाला था मार्च में अभी मार्च में जो ऑर्डर नहीं हो रहा है उनके लार्ज मैन्युफैक्चरर्स की अभी उनके पास एक ओवर स्टॉक है उनके वो भी हम जगदीश भाई साहब को और सबको हमने रिक्वेस्ट किया है कि देखें कि कितना स्टॉक है सो दो प्रकार के इसकी जो फुल आंसर है हम 3-4 डेज में बाय वेंसडे कि इसकी इसका सप्लाई चेन और कॉस्टिंग में क्या इफेक्ट हो सकता है रियलिटी में दूसरी आपने हम लोकल्स को क्या हेल्प करें अगर से लोकल्स को भी अगर हम जैसे वेबिनार में आप समझते हैं कि उनको आपके जो करीबी के दोस्त हैं जो लोकल सप्लायर्स हैं उनको भी ऐसा टाइप का सेशन होना चाहिए अगर काफी मात्रा में लोग हैं तो हम मैं रचिता मैम और बाकी लोग से रिक्वेस्ट करता कि उनके लिए भी एक छोटा सेशन किया जाए ताकि उनको भी पता चले कि भारत में क्या क्या स्कीम है अगर भारी मात्रा में लोग नहीं हैं और आपके ही एक दो लोग हैं जो चाहते हैं इमीडिएट हेल्प वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ सब सेमिनार फॉर देम उनको भी बता जाए कि श्रीधर मूर्ति साहब ने आज जो कहा के एस हेगड़े साहब ने जो कहा उनको हम उनके साथ अगर हम बैठ के उनके इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स बिकॉज स्टैंडर्ड आंसर तो नहीं हो सकती हम कैसा हेल्प कर सकते हैं बिकॉज एवरीबडी विल बाकी सब कस्टमाइज्ड ही आंसर होंगे कि उनको क्या होना चाहिए बिकॉज बट फर्स्ट फर्स्ट
फर्स्ट मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले अपने बिजनेस और अपने एम्प्लॉइज का प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, उसके बाद आप अपनी पार्टनर इमीडिएट पार्टनर्स का देखिएगा। फर्स्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप अपने एम्प्लॉइज की खर्चा, अपनी ओवरहेड्स की खर्चा और कैश फ्लो एनालिसिस आप अभी करें, एंड उसके लिए अगर हेल्प चाहिए तो प्लीज नेक्स्ट 1 वीक आप जोर लगाइएगा। आपको कौन सी तरह के हेल्प चाहिए, ताकि लुका या रोशन या किसी और को कॉन्टेक्ट करके मेरे को 1 घंटे की सेशन चाहिए एक कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए, हम उसके ये करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है अपने एम्प्लॉयज अभी, सेकेंड इज अपने नियर बाई स्टेक होल्डर्स, नंबर 3 इज नियर बाई सप्लायर्स। सो प्रश्न के दो आंसर के हमारे जो वी विल हैव 1-to-1 सेशन, एंड सेकेंडली इफ यू हैव सप्लाईज के बारे में मैं बुधवार तक आऊंगा कि उसका सिचुएशन क्या है, बिकॉज देर आई मैं ये भी सुना कि कोई कोई मैन्युफैक्चरर्स के पास ओवर स्टॉक है। आई थिंक जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारे कुछ यहाँ पे टेक एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स हैं वो स्पेसिफिकली कोविड के लिए कुछ इनोवेशंस के साथ बाहर आए हैं, जैसे सैनिटाइज के लिए, सैनिटाइजेशन करने के लिए गेट या कोई प्रोडक्ट जो सैनिटाइज कर पाए, मनी, पासबुक्स और प्रोडक्ट्स, तो उन ऐसे जो कोई भी इनोवेशंस आ रहे हैं, चाहे ये हो या जो अदर इनोवेशंस जो हम पहले बताना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, जो काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग हमारे जो पार्टनर्स हैं जो अब मास्क मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पीपी सूट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनका वर्क हम कैसे एम्पलीफाई कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा उनको काम मिल सके इस टाइम पे और ज़्यादा पार्टनर्स मिल सके, उनका नाम बढ़ सके। जरूर, ये जो प्रश्न मैं भी देख रहा हूँ अपने क्वेश्चन आंसर चैट सेशन पे, प्लीज अगर मैं अपने इंक्यूबेशन मित्रों से ये कर रहा हूँ कि अगर हम अपने इंक्यूबेशन कोलीग्स एंड इनोवेटर्स एंड इंक्यूबेटीज के जो भी वो प्रमोट करना चाहते हैं, कैन आवर आउटरीच टीम, कैन आवर इंक्यूबेशन टीम एक एक पैराग्राफ लिखें और 1.5 पैराग्राफ लिखें या लिंक दें कि उनके क्या क्या सर्विसेस हैं। मैंने देख रहा हूँ कि कुछ सैनिटाइजेशन है, कुछ सैनिटाइजिंग मनी एंड पासबुक्स फॉर बैंक पर्पसेस। वी कैन एक्चुअली ईमेल, फेसबुक, ट्विटर टू ऑल आवर स्टेक होल्डर्स, जैसे हमारे जो अदर रिलेशनशिप्स है, जैसे हम काफ़ी कुछ हेल्थ एनजीओस के साथ काम करते हैं, उनको भी हम बता सकते हैं कि यहाँ से हम मास्क आपको सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये दरखास्त करता हूँ कि आपसे कि आपके एरियाज में ही अगर, बिकॉज आप अभी तो ट्रांसपोर्टेशन की इशू है और काफ़ी कुछ पाबंदी लगी हुई है, सो 100 किलोमीटर के अंदर जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कैसे मार्केट किया जाए, उसके भी सहयोग चाहते हैं तो जस्ट फोन पे, बट पब्लिसिटी तो हम आपके लिए कर सकते हैं। हमारी जो एनजीओ पार्टनर्स हो, गवर्नमेंट पार्टनर्स हो, बैंकिंग पार्टनर्स हो, लेकिन बट आई रिक्वेस्ट माई इंक्यूबेशन कोलीग्स कि एक एक पैराग्राफ लिखे कि what is the proposal and for example, अगर मिलान ज्योति साहब लिखे हैं कि टेक इनक्यूबेटी साहब की उन्होंने डिजाइन किए बॉडी सैनिटाइजिंग मशीन, अगर उसका एक पैराग्राफ लिखें कि उनको क्या चाहिए, उनको एक सर्टिफिकेशन चाहिए, सो कैन वी इमीडिएटली सेंड इट टू पीपल सेइंग दैट हाउ शुड इट गेट सर्टिफाइड इमीडिएटली, हाउ कैन वी एक्चुअली सेंड इट टू इशिता फ्रॉम AIM कि वी नीड अ सर्टिफिकेशन, और वी कैन एक्चुअली टॉक टू AIF कि इसका इमीडिएट सर्टिफिकेशन, टेक्निकल सर्टिफिकेशन कैसा मिल सकता है करके। सो कैन वी हैव प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी टेक इनक्यूबेटी एंड अ सेलिंग सॉल्यूशन, वो क्या, व्हाट डज ही वांट टू प्रमोट, ही और शी वांट्स टू प्रमोट, एंड अकॉर्डिंगली आई रिक्वेस्ट माई टीम की शॉर्टलिस्ट एनजीओस, इंक्यूबेशन टीम को मैं दरखास्त करता हूँ कि आप सेल्को फाउंडेशन और सेल्को इंडिया के बाकी चैनल्स को ओपन करें, लाइक ब्रांचेस हो या हेगड़े साहब हो बैंकिंग के लिए, या अपने हेल्थ महांतो साहब या सिजिल साहब से बात करें कि
ये मास्क्स हैं, हम इसको कैसा पॉपुलराइज करें. सो प्लीज यूज द कनेक्शंस इनसाइड टू पॉपुलराइज इट. सो वी हैव द चैनल्स, बट आई रिक्वेस्ट कि सब मिलान ज्योति साहब का एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लीज टॉक टू खुशबू और प्लीज टॉक टू लुका एंड सेड कौन से अदर पार्टनर्स को हम मार्केट कर सकते हैं. बट लेकिन मैं दरखास्त करता हूँ कि फर्स्ट एक पैराग्राफ लिखें कि आपका सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, एंड देन वी विल प्रमोट इट. Sir, one suggestion here. Sir. Yes, yes, tell me, sir. Here that our one partner, he has mentioned about his some product. Yesterday I had a discussion with one of the lead bank manager at Karnataka. He was telling they the branches in the district, they in Karnataka, I'm telling, they require about 1,000 masks for the staff working in the branches and sanitizers. So they are looking for that, how to get a large number of this one. Similarly, this he can approach the, once it is certified, approach the lead bank manager or some district level officers and NABARD people. They may also give some leads to for this marketing of his products, and also the regional manager of the banks working in that area. Because what is mentioned, it is good for, I think it is required by the banks. Once it is certified by banks, can definitely will come forward to purchase these items. You can do that. And we can also help wherever we have got contact, we can help them. Thank you, sir. I have a question from Anurag Anand sahab se ki, we are associated with skill development training in SPV. I understand it's a difficult position we're all in, but I also would suggest, can we have chat once to one, looking at what type of people who are trained? And as you say, we have, unhone ye prashna bheja ki unke paas kafi employees hain, technical marketing and others in different districts, West Bengal, Jharkhand, Bihar, Assam se. And वो कह रहे हैं कि उनको काफी जन घर पे फंसे घर पे हैं, एंड अगर मार्केट खुलती है तो आप कैसा. सर मैं ये दरखास्त करता हूँ कि आपसे कि एक हमारे जो टीम से एक बार सेपरेट सेशन किया जाए, क्योंकि मेरी जो इमीडिएट सलाह है कि एज अ स्किल डेवलपमेंट प्लीज ऑल्सो लुक एट अदर स्किल्स दैट यू कैन आप ऐड कर सकते हैं आपके इमीडिएटली. सो ये जो एक हफ्ता का जो और एक या टू वीक्स की जो टाइम है आपके पास, पीपल आर एट होम, कैन यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट फॉर टू अदर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, बिकॉज आप ऑलरेडी स्किलिंग में हैं, तो वेदर इट इज द स्किलिंग ऑफ लाइवलीहुड्स, स्किलिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स, स्किलिंग ऑफ आशा वर्कर्स, विच इज ह्यूजली नीडेड in the rural areas for the next 6 months. I'm not saying go away from your primary business, but this is the time to think little bit out of the box and push, can I diversify a bit? Because aapke paas itne log hain jo already training mein experienced hain. Training ki matlab kya hai ki, ye nahi ki hum solar installations mein expertise. Training ki aur ek matlab hai ki aap जनता को कैसे समझा सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम या सॉल्यूशन को आप समझा सकते हैं. इसलिए मैं ये दरखास्त करता हूँ आपसे कि अगर आप हमारे साथ बैठ के और दो एक्टिविटीज में आप डाइवर्सिफाई कैसे करें कि इमीडिएटली मार्केट खुलते ही सोलर इंस्टॉलेशंस का उतना डिमांड इमीडिएटली राइज नहीं होगा. But there will be a demand in the health. For example, there will be a lot of demand ki local health PHCs mein solar systems will have to be start working. Ya panchayat buildings mein ASHA workers are needed. How ek hai ki kaise existing facilities in the country mein unki maintenance ke liye hum kaise training diya jaye, and dusre aur do kya business hum diversify kare. सर आप मैं यही करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके साथ एक छोटा सा सेपरेट सेशन किया जाए, वो आपके लिए भी नहीं बाकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी उपयोग होगी जो सोलर पे ही फोकस किए हुए हैं.
बट डाइवर्सिफाई. इवन मैं बाकी एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्राइजेस को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये चांस है कि आपको लगता है कि नेक्स्ट सिक्स मंथ्स के लिए देर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ बिजनेस इन अ लोकल एरिया फॉर सम अदर रीजन, प्लीज टॉक टू आवर पीपल कि डज इट मेक सेंस, बिकॉज इट इज ओनली वन बिजनेस इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स ओके, हम नेक्स्ट फोर्थ टू सिक्स मंथ्स निकाल लेंगे, लेकिन और कोई अपॉर्चुनिटी जो हमारे सामने से जा रही है उसको हम हाथ से ना छोड़े. Let us work together and doing it. Rachita ma'am. Yeah, I think Harish sir, we've answered most of the questions. अगर हमसे कोई भी question छूटा हो, जैसा मैंने पहले बोला था, आप please follow up करिएगा, mail लिखिएगा. आप अगर रोशन एंड हुदा मैडम से बात करें, बिकॉज वो और एक हमारे ग्रुप है जो कोविड 19 ग्रुप है, सेल्को का हेल्थ रिलेटेड ग्रुप है, जो जिसमें इसकी काफ़ी सॉल्यूशंस उन्होंने ये किए हैं और उनके ना काफ़ी स्कीम्स भी उनको शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं. तो प्रैक्टिकली आज क्या हो सकता है, आज मैंने ऑन अप्रैल 4th, सो आप अगर उनसे अगर डायरेक्टली बात करें तो सॉल्यूशंस मिलेगा. Thank you, Harish sir. And जो अभी Harish sir ने mention किया कि in addition to जो हम ऐसे webinars कर रहे हैं, आप सबसे बात कर रहे हैं, challenges समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अब किसी भी तरह से कोई भी solution provide कर पाए, या जिन्होंने solution already कुछ काम कर रहे हैं वो थोड़े share कर पाए larger audience से. तो एक दूसरी team है जो health side से काम कर रहे हैं, कि जो अभी रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में भी जो आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटीन यूनिट्स, ट्रीटमेंट, ये जो आईसीयू यूनिट्स की जो डिमांड बढ़ रही है, उसमें कैसे हम सजेस्ट कर सकते हैं सॉल्यूशंस. एंड उसके लिए मेरी जो कलीग हैं हुदा, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि जस्ट 5-10 मिनट में थोड़े से जो हमारे यहाँ पे अटेंडीज हैं उनको थोड़ा सा बता पाए, ताकि आपके एरियाज में भी अगर कोई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज हो, इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज हो, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा. हुदा जी. थैंक यू रचिता. तो कोविड रिस्पांस टीम के साथ 4 प्रोजेक्ट्स पे काम करने का पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज है. एक तो आपने जो बहुत लोगों ने ये पूछा है, मास्क सैनिटाइजर वगैरह, तो एक हो गया एजुकेशन और अवेयरनेस के ऊपर. जो भी है एजुकेशन अवेयरनेस के ऊपर, क्लॉथ मास्क हो या फिर एक्रेलिक मास्क हो या फिर दूसरे मटीरियल्स के मास्क हो, बहुत सारे ओपन सोर्स डिजाइन हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, कोलेक्ट किए हैं, जो अगर आप लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तब लोकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं, लोकल डीसीज के थ्रू. बहुत लोगों को मटेरियल मेन चीज है, ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो देयर माइट बी अ पोटेंशियल के लोकली ये आप सप्लाई कर सकते हैं, घर को भी, शॉप्स को भी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स को भी सप्लाई कर सकते हैं. तो एक एजुकेशन अवेयरनेस के ऊपर, किट्स के ऊपर वगैरह, ये एक अपॉर्चुनिटी है. दूसरा जो अपॉर्चुनिटी है, ये मेनली पावरिंग का अपॉर्चुनिटी है. टेस्टिंग के जो पॉइंट्स हैं, जहां पर कलेक्शन सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जहां पर कलेक्शन स्टोरेज हो रहा है, जहां पर सैंपल्स भेजे जा रहे हैं, तो वो आप पावर भी कर सकते हैं. अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स है लोकली, स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स है या फिर हेल्थ कॉन्टैक्ट्स है, प्राइवेट या पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के जो कॉन्टैक्ट्स है, वो एक्टिवेट करके आप टेस्टिंग वैल्यू चेन को भी पावरिंग के लिए पूछ सकते हैं, कि पूरे डिजाइन वगैरह, किट्स वगैरह का पावरिंग है हमारे पास. तीसरा जो है, ये है आइसोलेशन के ऊपर, जो जैसे रचिता बता रही थी, तो
अभी जो लोग आ रहे हैं बहुत माइग्रेंट्स वापस आ रहे हैं दिल्ली से या फिर कुछ सिटीज से, ये एक चीज है माइग्रेंट शेल्टर्स भी सेटअप कर सकते हैं और वो माइग्रेंट शेल्टर्स पावर करने का प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर आइसोलेशन यूनिट्स एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स हैं या मैरिजेस हॉल है वो बहुत लोग कन्वर्ट कर रहे हैं आइसोलेशन यूनिट्स में, तो उसको भी आप पावर करने की कोशिश कर सकते हैं. 10-bed का टेम्पलेट, 20-bed का टेम्पलेट, पूरा स्पेस का जो टेम्पलेट है और सिस्टम डिजाइन का जो टेम्पलेट है वो सारा रेडी है, वो हम शेयर कर सकते हैं. और आइसोलेशन के अलावा जो थेरेप्यूटिक यूनिट्स जो है ये ज्यादातर आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल में होगा. तो अगर आप एवरी थेरेप्यूटिक यूनिट में COVID-19 गाइडलाइंस के हिसाब से डिफिब्रिलेटर, ECG, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन वगैरह ये लिस्ट है जो पावर होने चाहिए. और जो आई मीन वेरी ऑफन यू सी के यहाँ पर रूरल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या फिर छोटे सेंटर्स में रिलायबल और एडिक्वेट पावर नहीं होता है, तो ये भी एक कोविड रिस्पॉन्स का प्रोग्राम हो सकता है जिसे आप फंड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. जो जो कुछ श्वेता ने शेयर किया या फिर लो इंटरेस्ट लोन्स के लिए भी अप्लाई सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट कोविड रिस्पॉन्स का और स्ट्रेंथनिंग कोविड रिस्पॉन्स में ये कैटेगरी पड़ता है. तो थेरेप्यूटिक यूनिट्स भी जो है मोस्टली वो हॉस्पिटल्स में होंगे या फिर छोटे हेल्थ सेंटर्स में होंगे जहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूव थेरेप्यूटिक यूनिट्स होंगे. तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ये सारे जो चार चीज हैं, एडुकेशन और स्क्रीनिंग के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर, आइसोलेशन के ऊपर और थेरेप्यूटिक यूनिट के ऊपर, जो भी आपके लोकल जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हेल्थ पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स हैं, पोटेंशियल लोग हैं, फाउंडेशंस हैं जो करना चाहते हैं, ये शायद हेल्थ फाउंडेशन नहीं, लाइवलीहुड फाउंडेशंस भी ये करना चाहते हैं अपने लोकेलिटी के लिए, तो प्लीज एक मेल भेज दीजिए. उसमें जो भी आप जो भी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे आप कॉन्टैक्ट रखिए और 100% ये चारों में से हम प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. तो प्लीज गेट इन टच विद अस फॉर इट. थैंक यू. थैंक यू हुदा. थैंक यू सो मच फतार. सो आई नो हम थोड़ा सा टाइम से ऊपर चले गए हैं, बट थैंक यू सो मच. 100 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स हमने देखे आज और आप सबने हमें 2 घंटे का अपना टाइम दिया. आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल था, कुछ क्वेश्चंस आपके आंसर हुए. एज हरीश सर ने बोला था, पहले तो ये है कि हमने जो भी प्रेजेंटेशन किया वो आज शेयर कर देंगे. और जो भी बिफोर दैट जो थॉमस सर ने कुछ पॉइंट्स दिए थे उसको भी समराइज करके आपको ज़रूर भेजेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. तो प्लीज़ बताइएगा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर ईमेल लिखिएगा covid19@sarcofoundation.org पे. आप जिसको भी जानते हैं सर्को फाउंडेशन की टीम पे प्लीज़ ज़रूर फ़ोन करेगा, हम जल्दी से जल्दी वापस आएंगे. और अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, कोई टॉपिक है जिसको आपको लगता है कि अगर ऐसी चर्चा करेंगे तो आंसर्स आ सकते हैं, सोल्यूशन आ सकते हैं, तो वो भी ज़रूर सजेस्ट करिएगा. थैंक यू सो मच अगेन आपकी टाइम के लिए. थैंक यू अगेन श्रीधर सर, हेगड़े सर, माय कलीग्स श्वेता, हरीश सर, थॉमस सर, थैंक यू सो मच, हुदा, रोशन, प्रशांत, एवरीवन. एंड प्लीज 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 एनी टाइम वी आर ऑल हियर. सर्को फाउंडेशन टीम आपके साथ है, कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज जरूर एक बार फिर से मेल करिएगा. थैंक यू.